हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश श्री राधा नमस्ते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्ताभिहीन अपराध लक्ष्य कीर्तासितमार्ति तरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हे श्री सनातन प्रभु करुणां भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव विकृत मंदमति दयांकरा तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुप्रीतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तनवोभिनेजो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानकस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरि हरे मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रतिष्ठ विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे संख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रतिष्ठ विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषि सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न दिए। आप लोग बोलो तो पहला प्रश्न क्या था बोलो कोई सुन आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरे प्रश्न क्या कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या। तीसरा प्रश्न क्या था भगवान कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं भगवान की जितने अवतार है समस्त अवतार का भी कथा सुनाई। पंचवा प्रश्न किया था भगवान की जो अद्भुत जस है वो जस को भी सुनाओ। और छठवां प्रश्न था
जब भगवान इस जगत छोड़ने से चले गए, धर्म कलयुग में कहाँ आश्रय किया? बोले कहाँ पर आश्रय किया? बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही आश्रय किया। बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय। इसलिए जब श्री सुत गोस्वामी ये प्रश्न को सुन करके उनका हृदय गदगद हो गया। बोले बड़े सुंदर तुमने प्रश्न किए, जिसकी उत्तर में केवल हमें हरी चर्चा छोड़ करके और कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब किसी संत को पास में जाओ, आप कोई दुनियादारी की बात मत करो, क्योंकि जो संत हैं उनका स्वभाव क्या है? बोले मत कथा पद्धत चिंता बधयते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं दुष्यन्ति च नमरमन्ति च। कृष्ण संतों का लक्षण कहते हैं, कभी जो मेरे भक्त हैं मेरी कथा छोड़ करके, मेरी भजन को छोड़ करके, मेरी भक्ति को छोड़ करके दुनियादारी कोई बात ही नहीं करते। बोले दुष्यन्ति च नमरमन्ति च। बोले क्यों? बोले दुनियादारी कथा बोलना दुख ही दुख है, लेकिन भगवान की चर्चा सुनो तो उसमें आनंद ही आनंद है। इसलिए उनका हृदय गदगद हो गया। उनका जो पहला प्रश्न था तो उत्तर देते हैं, बोले सबई कौन सा करो धर्म जतो सती रघुसजे आहाय तुमी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीन की। प्रथम प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये करोड़ रुपया का प्रश्न है। इसका उत्तर देते हैं, आत्मा को तभी शांति मिलेगी जो आत्मा में वो परमात्मा के अंश है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सबके सब भगवान की औलाद है, इसलिए हम कहते हैं ना, तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधो ससखा तुमैव तुमैव विद्यांग द्रगण तुमैव तुमैव सर्व मम देव देव। भगवान ही हमारी सब कुछ है, पिता माता भाई बंधु भगवान ही सब कुछ है। तब हमारी कर्तव्य क्या है? बोले भगवान को भक्ति करना ही हमारी एक ही कर्तव्य है। इसलिए सभी पुरुषांग करो धर्म। बोले जगत में बहुत तरह तरह का धर्म है, जैसे पिताजी को भी सेवा करनी चाहिए, माताजी को भी सेवा करनी चाहिए, परिवार को भी देखनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी धर्म नहीं है, ये तुम्हारी कर्तव्य है, ये तुम्हारी कर्तव्य है। जैसे एक दिया जलाओ, आप देखा हो कि उसका लो इधर जाएगी, वो ऊपर जाएगा। बोले क्यों? बोले ये सूर्य का ही अंश है। पानी डालो वो उधर जाएगी, नीचे जाएगी, समुद्र में मिलेगी। क्यों? वो आया समुद्र से। एक मिट्टी को ढेला लेके तो ऊपर फेंको तो जाएगी किधर? नीचे आएगी, क्यों? वो पृथ्वी का अंश है। फिर उसी तरह जो जीव है वो ईश्वर का ही हम अंश है। इसलिए हमारी जो कर्तव्य वो ईश्वर को भक्ति करना ही हमारी यही एक कर्तव्य है। आप बोलोगे हम तो सबके सब भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे भक्ति करनी चाहिए हम वैसे भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तो शांति नहीं मिल रही ना। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए तो उन्होंने दो उदाहरण देकर के बताया। पहले पहला नंबर है, भगवान को भक्ति करके भगवान से कुछ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन हम भगवान के दरबार में तो जाते हैं, एक पर्ची ले जाते हैं, ठाकुर जी हमारी बेटी की शादी हो जाए, बेटा की नौकरी लग जाए, सामने वाले देखो उसका तीन चार मंजिली, अभी हमारी एक मंजिली है, हैं? इसलिए तरह कम से कम 10 रुपया की अगर कोई सामान लेके के चढ़ाएंगे ना, वो जो पर्ची में कम से कम 10 करोड़ की पर्ची हुई। ये भक्ति नहीं हुआ, ये तुम्हारी कामना वासना होगी। ठाकुर जी को मानो ठाकुर जी को अपना घर की हम नौकर बनाना चाहते हैं ठाकुर जी को, कभी ये भक्ति नहीं। भक्ति होनी चाहिए निष्काम रूप में, भक्ति होनी चाहिए। इसलिए जब हनुमान जी को भगवान राम बोले
बोले हनुमान की बर मांगो। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो, हर सी देखो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा संग संग। हनुमान जी कहते प्रभु जी आपकी चरण में मैं बारंबार में प्रणाम करता हूँ। बोले क्या चाहता हूँ, बोले आपकी चरण में हमें निष्काम भक्ति चाहिए, जैसे हर समय आपकी हम सेवा कर सके, आपको हम भक्ति कर सके। इसलिए देखना हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, प्रभु राम की चरण की सेवा ही करते हैं, और सेवा में ही आनंद है, और सेवा करते हैं तभी ठाकुर जी की संपूर्ण रूप में हनुमान जी की बसी होता है। और दूसरा उदाहरण दिया है भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर जमय। ध्यान से सुना, जैसे शहद को डालो देखना उसमें एक धागा बन जाती है, भक्ति ऐसे होनी चाहिए बीच में टूटनी नहीं चाहिए, बीच में वो टूटनी नहीं चाहिए, निरंतर जमय भक्ति होनी चाहिए। 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भक्ति होनी चाहिए। आप बोलोगे थोड़ी हम साधु संत दिन भर माला लेकर थोड़ी बैठेंगे, हम तो घर गृहस्थी है ना, हमारा बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी है। आप कह रहे हो 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भक्ति करो हैं, फिर हमारा क्या दुनियादारी नहीं। तो देखो जो भक्ति है ना वो सबसे सरल है, इसलिए दिन भर माला लेकर बैठने का जरूरत नहीं है। बताओ गोपियां घर में थी ना, जंगल में थी, गोपियां तो घर में थी लेकिन वो जो कुछ करती थी कृष्ण के लिए करती थी। अगर घर में झाड़ू लगा दी तो भावना क्या है, ये घर किसने दिया है, ठाकुर का दरबार है। इसलिए घर में अगर धूला पड़ा होगा तो अगर कन्हैया मक्खन चोरी करने के लिए आएगा तो धूला पड़ा होगा तो क्या होगा, ठाकुर की चरण में लग जाएगी। इसलिए घर को क्या मान करके, भगवान के मंदिर मान करके झाड़ू लगाती है, रसोई बनाती है। लेकिन किसके लिए रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी की भोग लगेगा, ठाकुर जी की भोग लगेगा इसलिए। लेकिन हाथों में तो सारे काम करती थी लेकिन मुंह से क्या करती थी, बोले गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। इसलिए हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की बोलो ना, कोई परिश्रम लगा पैसा लगी कुछ, बस भक्ति होगी, भक्ति होगी भगवान की भजन होगी। इसलिए घर द्वार छोड़ने का जरूरत नहीं, अपना घर को ही भगवान की मंदिर मानो। इसलिए बच्चों को थम थम लगाया करती थी, सुलाया करती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस भक्ति हो गई, भक्ति कोई कठिन स्थिति नहीं है, सब कुछ करो। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं अपना शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसी समय किसके लिए करो, कन्या के लिए करो, ठाकुर के लिए करो। इसलिए भक्ति निरंतर जमी 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसे अपना जीवन को प्रभु का प्रेम में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया तो क्या होगा, ये आत्मा को परम शांति मिलेगी। उनका जो दूसरा प्रश्न किया है, बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसका उत्तर में श्री सुख गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् योगिनां नृपनिर्मित हरे नामानुकीर्तनम्। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय, जानते हैं ये कलयुग का जी इतना परिश्रम नहीं कर सकते हैं। सत्यजुग में सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने तो 60,000 साल तक तपस्या की, और वाल्मीकि ने, इनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, उसने ऐसे प्रभु की भजन की सारा शरीर में दीपक दीपक जाग दिया। लेकिन कलयुग में तपस्या कर ही नहीं सकते,
15 दिन में एक एकादशी आती है। अगर एक एकादश को एक योजना रख दिया ना, बोले भैया एक काम कर लो, बोले आज मैंने व्रत रखा, मतलब 15 दिन में भी एक भूखा भी नहीं रह सकते हैं। तृतीया दिन में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए घी लाओ, हवन सामग्री लाओ, दूध लाओ, दही लाओ, फिर भैया कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा रोज यज्ञ करके। फिर कलयुग में जो घी है आपको प्योर घी नहीं मिल रहा है, आप सोचता हो कि 1000 रुपया देकर घी खरीद लिया, वो प्योर है ही नहीं। अपना घर में कभी घी बनाओ, जहाँ पर सही घी मिलता है ना, अब वहां से लाओ 2200 रुपया प्योर घी है, 2200 रुपया में 1 किलो सही घी है। इसलिए जो बाजार का जो घी मिल रहा है ना, आपको सही घी नहीं है, उसमें भी मिलावट है, हवन सामग्री उसमें भी मिलावट है। अगर जिन देवताओं को दोगे वो भी खुश नहीं होंगे। और इतना पैसा लाओगे कहाँ से, अभी जिन ब्राह्मण को बोलोगे यज्ञ करने के लिए, बोले भैया 5000 रुपया दो तब तक तुम्हारे घर में यज्ञ कर ले जाएंगे, पैसा कहाँ से लाओगे। फिर वो जो ब्राह्मण पंडित को संस्कृत तो पढ़ाई नहीं, नियम है हर्ष दीर्घ प्लुत के 3 स्वर से मंत्र पढ़नी चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं। हम तो कहीं गए हुए थे यज्ञ में, किसी पंडित को बुलाया था, जितने मंत्र थे वो गलत बोल रहा था, सारे मंत्र गलत बोल रहा था, एक मंत्र भी सही नहीं बोल रहा था। इसलिए कलयुग में यज्ञ भी संभव नहीं। द्वापर युग में था भगवान की परिचर्या, ठाकुर को सेवा पूजा। अभी बताओ कहाँ से रोज धूप दीप नैवेद्य अपूर चंदन कर्पूर कहाँ से लाएगा, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा। इसलिए भगवान बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, क्या करो हरि का नाम जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। अब तक पैसा की जरूरत बड़ी बड़ी पैसा की जरूरत, कोई कष्ट हुआ है, कोई कष्ट नहीं। कलयुग का साधन सबसे बड़ा साधन है। लेकिन यहाँ प्रश्न करते हैं, ध्यान में तो सुनो, जितने कथा सुनते हो ना, ऐसे पलू झाड़ में चली गई यहाँ से, अच्छे तरह से सुना और घर में जाकर कथा को सुना, ठीक है। घर में जाकर बहू बेटी सास ससुर जो मिले सबको भगवान की कथा सुनाना, ऐसे नहीं आप सुनकर इधर सुन इधर निकाल कर चले गए, ठीक है ना। ध्यान देकर सुनो, उन्होंने कलयुग में ये हरिनाम क्यों रखा, इसका 3 कारण बताए। बोले 3 कारण क्या बताए, बोले स्थान काल और पात्र, ये तीनों अवस्था में ये हरिनाम कर सकते हो। स्थान मतलब ये नहीं बताया केवल भारत में ही रह करके तुम हरि का नाम जप कर सको, नहीं, तुम विदेश में भी रह करके अमेरिका में लंदन में फ्रांस में, देखो जो पीछे बैठे हैं रशिया के लोग हैं, ये लोग भी हरिनाम जप करते हैं। इसलिए कहीं भी प्रभु का नाम जप कर सकते हो। बोले काल, बोले काल मतलब क्या, बोले ठाकुर जी ये नहीं बताए केवल तुम सवेरे उठ करके जब पवित्र अवस्था में रहोगे तब ये हरिनाम को कर सकता हूँ, ऐसे नहीं बताया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नियमित स्मरण न काल, उन्होंने कोई काल की पाबंद नहीं रखा, कभी भी किसी अवस्था में भी भगवान के नाम को तुम ग्रहण कर सकते हो। तीसरा नंबर पात्र, पात्र मतलब है ठाकुर जी ये नहीं बताए भैया केवल हिंदू ही हरिनाम कर सकते, मुसलमान क्रिश्चियन की भगवान का नाम नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी नहीं बताया। हरि का नाम सब लोग भी हरि का नाम ले सकते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया, बोले प्रभु जो हिंदू लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह से कृष्ण गोविंद दामोदर राम कृष्णा बोलते, लेकिन ये मुसलमान का कैसे होता है, ये तो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। महाप्रभु बोले
ठाकुर जी बड़े दयालु थे, उनका भी कल्याण करेंगे। बोले कैसे? बोले वो सब मांस को तो खाते हैं लेकिन सूअर का मांस को नहीं खाते। वो सूअर को कहते हैं हराम, क्या कहते हैं? लेकिन कहते थे हराम डाल ही देते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ होता है हा राम, हा राम। बोले उनका भी इसी रूप में उनका भी कल्याण होता है। इसलिए कभी किसी अवस्था में भी प्रभु का नाम को हम जप कर सकते हैं। बोले भैया नाम कौन कर सकता है? बोले निर्विद्यमानः, अगर कोई बोले हम तो संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं ना, इसलिए प्रभु का नाम जप कर। बोले नहीं, शंकर जी को देखो, बोले पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भी भगवान की नाम को जप करते हैं। माता देवी को देखो, माता देवी कभी शंकर जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु हम किसकी नाम जप करनी चाहिए? शंकर जी क्या कहते हैं? बोले राम राम की रमती रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अतिस्तुल्यम श्री राम नाम परम। बोले हे पार्वती, पार्वती बड़ी सुंदरी है, बोले हे सुंदरी पार्वती, 1000 विष्णु नाम करने पर जो फल मिलेगी, एक बार श्री कृष्ण नाम से वही फल मिलेगी, एक बार श्री राम नाम से वही फल मिलेगी। तब से माता पार्वती उनके 8 हाथों में देखना 1 हाथ की माला है। माँ पार्वती में माला जप करती है। माँ सरस्वती को देखना 4 हाथ में 1 हाथ में माला है। आप ब्रह्मा जी की 4 हाथ देखना 1 हाथ में माला है। और हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, हरि का नाम लेते ही नहीं। एतत् विद्यमानानां, जो संपूर्ण रूप से माया से मुक्ति हो गए वो भी भगवान के नाम को जप करते हैं। दूसरा नाम व्यक्ति इच्छता अभूत भयम, अगर संसार में कोई अभय पाना चाहते हैं तो उनको भी भगवान के नाम को जप करनी चाहिए। जैसे प्रह्लाद महाराज, उसको पिताजी बोले तू हरि का नाम लेते हो, अभी तेरे को दिखाता हूँ। उन्हें पहाड़ का ऊपर से भी फेंक दिया, काफी खोद को भी दिखा दो, अग्नि में भी बैठा दिया, लेकिन अग्नि में भी बैठ बैठ करके भगवान की बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए बोले जोगी नाम नृपत नृत हरे नामानुकीर्तन, जितने ऋषि मुनि लोग एक ही बात को बताए, अगर कलयुग में कोई भगवान को पाना चाहते क्या करो? हरि का नाम कीर्तन करो, ये सबसे कलयुग में सरल उपाय है। लेकिन इसे चैतन्य महाप्रभु दुखी होकर के बात कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, कहते कलयुग में मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, लेकिन ये कलयुग का लोग इतने पापी है, इतने दुष्ट है, तब भी कलयुग में हरि का नाम नहीं लेते हैं। बोले जिह्वाच बस वर्तिना सुलभम भगवत नामम, भगवान ये नहीं बोले देखो अगर तुम मेरे नाम लोगे ना तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर जी बोलते हैं। बोले जिह्वाच बस वर्तिना, जिह्वा हमारी अधीन में है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है तब भी कलयुग का जीव डर गया है। बोले इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? इसलिए भैया समय को नष्ट नहीं करें, क्या करनी चाहिए? हरि की नाम को जप करनी चाहिए। बोले भैया भगवान के नाम को कौन जप कर सकता है? कौन कलयुग में भगवान के नाम को जप कर सकते हैं? कहते ना राम नाम की माला जपेगा कोई बिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई बिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई बिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई बिल I'm not afraid of the dark.
समझते हो सब? क्या कह रहे हैं? राम नाम, ध्यान देकर सुनो, राम नाम की माला जपने का कोई दिली वाली नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जपने का कोई दिली वाला मतलब क्या है? जिसका दिल कमजोर होगा ना, प्रभु का नाम नहीं जप कर सकता है। इतना दिन घर बैठ करके दुनियादारी की बात कर दो, बहु बेटी की बात घटे घट, लेकिन बोलो तो हरि का नाम करने वाले समय का है। नहीं तो लोग ऐसे लोग है गले में कंठी, बोले कंठी पहन ले, इतने गंगा काम नहीं सके, तिलक बाबा तिलक कैसे लगाएंगे? इसलिए कहते भैया जपने का कोई दिल वाला, दिल वाला मतलब जिसका दिल मजबूत है ना, वही भगवान के नाम ले सकता है, वही तिलक गला में करके वही पहन सकता है। जिसका दिल कमजोर है ना, वो तो गंदा काम कर सकता है, प्रभु का भजन नहीं कर सकता है। इसलिए जपने का कोई दिल वाला, मीरा ने माला जपी थी, क्या मिली? मीरा का नाम सुनिए ना, जब भजन कर रहे थे सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, उसकी पति देवर नाना यहाँ तक भी गाँव के कुत्ता तक भी जाने को, मतलब जो भगवान की भक्ति में उतरोगे ना, तिलक लगाओगे गले में कंठी धारण कर, सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन भगवान भजन को नहीं छोड़नी चाहिए। बताओ दुनिया में किसके नाम हो रही है? विरक्त नाम हो रही है, विरक्त नाम हो रही है। इसलिए भैया भगवान के भजन में कभी लाज शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलयुग में सबसे सरल उपाय भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम से ही उनको परम कल्याण होगी। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले बदति तत्तत्व विदस्तत्वम जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मति परमात्मनि भगवान की सप्तति। चलो वो जो ब्रह्मा है, अच्छा तरह सुनो, वो जो ब्रह्मा है वो एक ही भगवान, हम कहते हैं भगवान एक है, लेकिन एक भगवान होने पर भी उनको तीन भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है और एक ज्योति भक्त और एक हमको शुद्ध भक्त है। वो एक ही भगवान है, लेकिन ज्ञानी लोग वो एक ही भगवान को किस रूप में देखते हैं? बोले भगवान से निराकार है, उनका कोई रूप नहीं, गुण नहीं, उनको कोई लीला नहीं, वो निराकार मानते हैं ज्ञानी। लेकिन एक ही भगवान को जोगी किस रूप में दर्शन करते हैं? बोले ये अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में हृदय में ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनको किस रूप में दर्शन करते हैं? जैसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल में, राधा कृष्ण रूप में, राम लक्ष्मण सीता रूप में दर्शन करते हैं, एक ही भगवान है। अभी प्रश्न होता है ये क्या सबके सब बराबर है? अरे नहीं, बराबर नहीं है। ज्ञानी लोग जो ठाकुर को दर्शन करते हो आंशिक दर्शन, वो पूर्ण दर्शन नहीं है। योगी लोग जो दर्शन करते हैं परमात्मा को भी आंशिक दर्शन है, लेकिन पूर्ण रूप में उनको कौन प्राप्त करता है? भक्त है। इसलिए आप कभी नहीं सुनेंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते योगी का भगवान। भगवान किसके भगवान है? भक्त का भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत हुए हैं ठाकुर, और किसी उपाय को द्वारा ठाकुर जी कितने वशीभूत नहीं हुए हैं। बोले ऐसे जो भगवान हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की 24 अवतारों को वर्णन करते हैं। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान श्री चतुसन रूप में आए। जब भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मानस से, मन से उन्होंने चतुसन को सृष्टि किया, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। बोले देखो बच्चों, भगवान का निर्देश है कि संसार का सृष्टि आगे बढ़नी चाहिए। बोले पिताजी ये घर गृहस्थ में हमें मत फंसा, ये संसार में बड़ा दुख है,
बोले भगवान का हृदय से संसार करो तो पहले सृष्टि का पहला तुम हो, तो पहले ही मना कर रहे हो हम सृष्टि संसार का हम नहीं करेंगे। पृथ्वी की धरती ऐसी हम तो चाहते भजन करें और बस्ती रहे। बोले संसार घर गृहस्थी नहीं कर दो। बोले नहीं, ठीक है, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ। बोले क्या अभिशाप है? बोले जैसे जन्म हुए ना 5 साल के, जिंदगी भर 5 साल में बने रहो, कभी बड़े नहीं होंगे। इसलिए ये चतुसर कभी भी बड़े नहीं होते हैं और सर्वत्र भ्रमण करते हैं और हरि भक्ति को जगत में प्रचार करते हैं। बोले भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ है, बोले भगवान श्री बरहा रूप में जगत में आए। इसलिए बरहा रूप में आकर के उन्होंने क्या कि जब मनु महाराज के पृथ्वी को सृष्टि करना बढ़ाना चाहते हैं तो क्या चारों तरफ में पानी पानी कुछ है ही नहीं। बोले सृष्टि करूंगा कहाँ पर? तो ब्रह्मा जी छींके तो उनको नासिका से एक बच्चन जैसे एक पानी प्राणी सृष्टि हुआ और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। भगवान बरहा रूप में प्रकट हुए। बोले श्री भगवान बरहा देव की जय। तब उन्होंने पानी में छलांग लगा करके तब उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उतरने किया, उधार की, फिर ये सृष्टि का काम प्रारंभ हुए। कहते भैया ये बरहा देव जो प्रकट हुए तब उन्होंने मारे किसको उन्होंने? बोले भगवान से बरहा देव और भगवान श्री नृसिंह देव। बोले हिरणाक्ष और हिरण कसु तुम्हारे। देखो माताएं ध्यान देंगे सुनो, कहते विशेष करके शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? बोले पहला काम किया है, बोले पहला काम है ठीक शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना, देखना उसको घर में कभी धन नहीं आएगा, घर में दरिद्रता आएगी। इसलिए शाम को ठीक संध्या समय में नहीं सोनी चाहिए। दूसरा काम है ठीक शाम का समय में पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ पढ़ोगे ना सब भूल जाओगे। इसलिए कभी कभी बोलते ना घर में तो बच्चा पढ़ाई ठीक से करता है लेकिन जब पेपर देने जाता है भूल जाता है। इसलिए शाम का समय में पढ़ाई करते तो पढ़ाई सब भूल जाओगे। बोले तीसरा काम क्या है? बोले शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शाम को भोजन करेगा उसका जो उदर का जो रोग है ना, पेट का जो रोग पड़ी जिंदगी में सही नहीं हुई। और जो चौथा काम है कभी भी पति पत्नी सहवास नहीं मिलनी चाहिए। ये हिरण्य कश्यप कैसे बने? बोले एक समय दीति ने बड़ी सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, सीसा को सामने खड़ी होकर थी। वैसे तो राजकुमारी देखने में बड़ी सुंदर थी। जब शाम का समय में श्रृंगार की, श्रृंगार करके अपना रूप को जब सीसा में देखी वो काम में इतने आतुर हो गई, उसने पति को कश्यप जी के पास में गए मिलने के लिए। इतने में कश्यप जी ने कहा देखो दीति कि जो समय है ना शंकर जी ये भूत पिशाच को साथ में घूमते हैं, इसलिए समय सही नहीं पा सकती, तो सही नहीं देती। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी उसने जोर जबरदस्ती पति को साथ दिए। कश्यप इसने कहा मैंने अच्छी काम नहीं किया, तेरे पेट में 2 दैत्य जन्म ग्रहण कर, बड़े भयंकर दैत्य होंगे जो हिरण्यक और हिरण्यकशिप हुआ। आप देखना संसार में भी कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता माता के आदेश पालन करने वाले। लेकिन देखना ऐसे कुछ बच्चे होते हैं इतने उद्धट रहे जो पिता माता की बात नहीं सुनते। बोले क्यों? बोले ये जो गर्भाधान जो समय है वो समय अच्छा नहीं था, नहीं तो पेट में बच्चा रहते हुए माताएं जो कुछ करती हैं वो बच्चे के ऊपर में असर पड़ता है। अगर उस समय गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, देखना बच्चा बड़ी संस्कार करके आएगा। अगर 3 घंटे डिस्को डांस करती करती फिल्म देखोगे तब तो बच्चा उल्टा पुलटा आएगा। हाँ, इसलिए सावधान माता रहनी चाहिए। इसलिए हिरण्यक और हिरण्यकश्यप जन्म लिए, उन्होंने अब बोले हिरण्यक और हिरण्यकश्यप जन्म लेंगे दुखी हो गए। बोले मेरे अपराध हो गया, काम में आतुर हो गई थी, माफ कर दो। जब उन्होंने बोले माफ कर दो, बोले देखो तुम्हारे बेटे तो वही के राक्षस लेकिन जो पोता होगा ना भगवान की परम भक्त होगा। इसलिए हिरण्यकश्यप तो हुए
लेकिन उसका जो बेटा था प्रहलाद था और इतने बड़े ठाकुर जी की भक्त हुए, इतने बड़े ठाकुर जी की भक्त हुए, जब मैंने हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ तो तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ बताओ, बोले खंभे में मिल गया है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे गए तुम मुस्कुरा रहे हैं, बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखाऊंगा तेरे को बाहर में दिखूंगा। अरे उन्होंने मारे मूर्ति का भार तो खंभा फट गई और साक्षात श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। हमारी एक प्रभु आप लोगों को जयकार देते हैं, जोर से बोलो बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए भगवान की ये दूसरा अवतार, बोले भगवान की तीसरा अवतार बोले श्री नारद जी। लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा परिणाम है। हम कहते हैं ना भैया तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या तुम क्या बीच में लड़ाई लगा रहे हो, झगड़ा करा रहे हो। लेकिन ऐसे नहीं, आप देखना प्रभु की कोई भी लीला ये नारद के बगैर हुआ है। ये भागवत भी देखोगे नारद जी कैसे सुनते हैं, ये भागवत रचना हुई नारद जी की वजह से। रामायण भी देखोगे ना ये नारद जी की वजह से नारद की रामायण भी प्रकट हुई। इसलिए हर लीला में श्री नारद जी, इसलिए विशेष करके नारद जी की अगर किसी की संग हो गया ना उसका कल्याण जरूर उसकी कल्याण होगी। इसलिए विशेष करके नारद जी की चार ही चेले हुए हैं। कितने चेले हुए हैं? एक हुए ध्रुव और एक हुए प्रह्लाद। केवल 5 साल उम्र में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। 5 साल उम्र में यही से संतों का आशीर्वाद है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना बोले जनमा जनमा मोहि जात ना कराई, जनमा जनमा मोहि जात ना कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतिम समय में भगवान का नाम आना बड़ा कठिन है। लेकिन नारद जी कृपा से 5 साल उम्र में ठाकुर ध्रुव जी 5 साल पर 6 महीना उन्होंने भजन की, बस ठाकुर जी प्रकट हो गए। कभी के और दो चले हुए, बोले कौन? बोले एक से व्यास तक हुए और एक वाल्मीकि हुए। अभी कथा है कि एक चेला श्री व्यास जी भागवत ग्रंथ रचना की और एक चेले श्री बाल्मी, ये बाल्मीकि पहले दशरथना कर था, ये डाका डालता था। एक दिन नारद जी मिले, बोले बाबा निकालो क्या पास में निकालो, बोले भैया हम संत हैं, हमारे पास में तो लोटे सोटे लंगोटे और कुछ है, बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी को था ये बताओ तुम ये पाप कर्म करके पैसा को कमा रहे हो, आप बताओ ये पाप कर्म को कौन लेगा? बोले मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता, बोले ध्यान देकर सुनो ये सबके सब तुम्हारे सुख में मदद कर रहे हैं, दुख में कोई भी साथ देने वाले नहीं, जा कुछ कर। पूछने के लिए पत्नी से पूछे, बोले ये बताओ मैंने डाका डाल करके जो पैसा लाता हूँ उसमें भागीदार तो बनू कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम खेरा, मेरे को पता नहीं कुछ कैसे पैसा। बच्चों से पूछे, बोले भैया हम कुछ नहीं जानते, अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको लालन पालन करना, फिर बड़े बने करके पैसे पैसा कमाएंगे, फिर हमें पता है। तो उन्होंने पिता माता को पूछे, बोले तुमको लिखाया पढ़ाया जन्म दिया किसलिए, किसलिए हम तुमको क्या,
हमें कुछ भी पता नहीं है भैया, संसार तो बड़े मतलब का संसार है, ये सब के सब सुख में साथ कोई दुख में है वापस आएगा। बोले बाबा की चरण में गिर पड़े। बोले बाबा आप सही बता रहे थे, ये तो कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं, अभी बता मेरे कल्याण कैसे होगा। बोले देखो, बोलो राम, बोलो 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 और जोर से, लेकिन उसका मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला, क्योंकि पापी है ना, वो पापियों का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। इसलिए बोले भैया तू बोलता तो मारो मारो। बोले हाँ, बोले बरा बरा तो बोल सकते हो अब, आप लोग बोलो तो बरा बरा, बोलो जोर से, लेकिन आप भी अब राम राम हो जाता है, बरा 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 होगा कि अपने अब राम राम हो जाता है। इसलिए कहते उल्टा नाम जपते जगे जाना, हर बाल में की भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मनाई। अगर उसने उल्टा नाम लेते लेते अब रामायण में देखे होंगे, देखे हो लकुश, लकुश देखे होंगे ना, कहते हमारे जो गुरु जी लकुश कहते भगवान राम को, बोले आप आने से पहले हमारे गुरु जी आपके समस्त लीलाओं को दर्शन करते हुए उन्होंने रामायण काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जहाँ तो गुरु जी हमें पढ़ाई वहीं तक हमें पता है। इसलिए राम कथा को लकुश राम कथा सुनाए, देखे होंगे ना भैया। अगर वो मरा मरा करते करते अगर वाल्मीकि बन सकते हैं, अगर हम सीधा सीधा हरि का नाम ले तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण दिया है, आप लोग देखने होंगे जमीन में जब कोई बीज बोते हैं ना, जैसे गेहूं नहीं तो धान, देखे ना जमीन में ऐसे फेंक देते हैं, देखे नहीं, लेकिन देखे ना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जब फेंके होता है कैसे होता है पेड़, वो सीधा होता है। इसलिए कहते भाई राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा गा नहीं सकते, इतने महिमा भगवान के नाम में। इसलिए भैया जीवन को नष्ट नहीं करते हुए क्या करनी चाहिए, ये जीवन पा करके हरि की भजन करो और भगवान का नाम जप करो, केवल प्रभु का नाम ही जीवन में काम में आएगा। इसलिए कहते हैं कि चार चले बड़े दिग्गज चले हुए हैं, और भगवान की जो चौथा अवतार है वो नर नारायण रूप में आविर्भूत हुई। बोले श्री नर नारायण ऋषि की कहते हैं नर नारायण, कभी बद्रिका आश्रम में जाओगे तो देखोगे वो नर नारायण ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया भगवान क्यों तपस्या करेंगे, तपस्या तो जीव को करनी चाहिए, फिर वो तपस्या क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बताए। बोले एक समय श्री नारद जी किसी मरते जगत में आए, अब उन्होंने घर घर में गए, सबसे पूछा सब ठीक ठाक है ना, ऊपर से तो सब ठीक ठाक बोले, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना कोई ठीक नहीं, जगत में सबके सब दुखी है। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रह तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इतने में नारद जी पहुंचे कहां पर, वैकुंठ में, देखा वैकुंठ में भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे थे, और समस्त देवता लोग बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, आप भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु जी आप तो ये दुनिया को सृष्टि कर दिया, और मैंने जाकर घर घर में जाकर के पूछा कोई सुखी नहीं, और आपने दुनिया को सृष्टि करके यहाँ अवस्था में आनंद ले रहे हो। प्रभु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उसको ही देख करके छोटे व्यक्ति सीखते हैं। अरे नारद जी सीधा सीधा बोलो ना, टेढ़ी टेढ़ी क्यों बात करते, सीधा सीधा बोलो। बोले प्रभु जी आप तो दुनिया की मालिक, बोले हाँ, बोले आप क्या कर रहे हो, बोले क्या कर रहा है, बोले दिन भर लक्ष्मी को लेकर पड़े हो। दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी दिन भर अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी भैया अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े हुए। बोले नारद जी बताओ फिर करनी क्या चाहिए। बोले प्रभु, बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में अभी तक उसको शांति सुख मिली नहीं, जीव जब भक्ति करेगा तब शांति सुख मिलेगी,
बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले आप थोड़ी भगवान की तपस्या करो, आप इतना तपस्या भजन करो, आपको देख कर सीखेंगे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतने में नारायण गए भजन करने के लिए, देखा कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। भ्रमण करते करते जब उन्होंने पहुंचे बद्रीनाथ भी, अब लोग गए हो बद्रीनाथ, कौन कौन गए बद्रीनाथ, हाथ उठाओ, एक दो चार, कौन जाना चाहते हो बोलो, सब को ले चले इस बार गरीब में सब को ले चले। वहां जाने का बड़ा महत्व है ठाकुर जी को, सुन लो क्या जाने का महत्व है। जब वहां पर ठाकुर जी गए, वहां पर बड़े सुंदर अलका नंदा बह रहे, सरस्वती बड़ी सुंदर नदी, क्या वहां पर है बड़े सुंदर पर्वत, वहां पर है वहां पर बड़े सुंदर पर्वत, बड़े सुंदर प्यारा स्थान है। बोले भैया यहीं बैठी करके वहां तत्व को भी है, बोले यहीं बैठी करके भजन करें। और ठाकुर जी वरदान दिया, अगर कोई एक बार ये बद्रीनाथ में आए, केवल मुझको दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, मेरे तपस्या का जो छठवां भाग का फल, केवल मुझे दर्शन मात्र से जी को प्राप्त हो जाएंगे। बोले श्री बद्रीनाथ की जय। इसलिए ठाकुर जी ने देखा कलयुग का जीव तो तपस्या कर ही नहीं सकता है, लेकिन एक बार आ करके मेरे को केवल दर्शन कर ले, बाद दर्शन से इसको मुक्ति मिल जाएगी। इसने मैं लक्ष्मी देखी, ठाकुर जी गए तो गए कहां, अभी तक तो वापस नहीं आए। अभी माँ लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते जब बद्रीनाथ में पहुंचा, देखा भगवान कठोर तपस्या कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी उनकी सर ऊपर में बड़े सुंदर एक पेड़ का वृक्ष बन करके हैं वहां पर प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने देखा अभी तक तो गरीब लग रहा था, अभी तो बड़ी सुंदर छाया और मीठी मीठी हवा कहाँ से आ रहा है। देखा ऊपर देखा तो माँ लक्ष्मी स्वयं देर का वृक्ष बन गई, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, बद्री नारायण। जैसे लक्ष्मी नारायण सीता राम और सिर्फ राधे श्याम, उसी तरह बद्री नारायण है। यदि ये भगवान की चतुर्थ अवतार है, तब उन्होंने भगवान की एक एक अवतार करके मत्स्य कुर्म बराव सिंह बामन परशुराम राम बलरा ऐसे करते करते बोले कि जो भगवान जो कृष्ण है ना, ये भगवान कृष्ण भी एक अवतार है। इसको बोल करके सुख गोस्वामी से डर गए। बोले क्यों, बोले ये जो भगवान जो कृष्ण है ये अवतार नहीं है, क्योंकि ये अवतारी है। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार हुए, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जय श्री राधे। इसलिए उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने का अलग श्लोक बनाए, बोले कृष्ण स्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलोकम बृढ़यन्ति युगे युगे। बोले हे सोनकार ऋषियों, अभी तक मैंने जिन जिनों का नाम लिया है, ये कोई कोई कृष्ण के कोई अंश के अंश कला है, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है ये भगवान कृष्ण ही, ये पूर्ण ब्रह्म भगवान से कृष्ण कन्हैया। इसलिए जब भगवान कृष्ण को हमें भक्ति करते हैं ना, फिर हमको दर दर इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, उसी देवी को पास में चले गए, उसी देवता को पास में चले गए, नहीं। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर लिए, इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर के सुतो गोस्वामी समझाए अच्छे तरह से, सुन लो कथा को ध्यान देकर, नहीं तो हमारा दिमाग ना इधर उधर भटकता रहता है। तो आज किसी देवता को पूजा किया, ऐसे नहीं दूसरे नाराज तो नहीं हो गया है, पर किसी देवता को पूजा किया उसने नाराज तो नहीं हो गया, फिर क्या होगा, डरते रहते हैं ना हम लोग, डरते रहते हैं ना। देखो यहाँ पर सुतो गोस्वामी श्री बड़ी सुंदर दो उदाहरण देकर समझाते हैं। बोले जथा तरो मूलम निषेचनेना त्रिप्तति तस्कंद भूजोपसखम। पहला उदाहरण दिया, आप भी समझो दूसरों को भी समझाना, ठीक है ना, ऐसे तुम भी भग जाओ समझो। दो उदाहरण क्या दिया, जैसे पहला उदाहरण जैसे कि वृक्ष है,
जब वृक्ष का जड़ में हम पानी देते हैं, आप बताओ कहीं और पानी देने का जरूरत है क्या है? जड़ में पानी डालो, देना सब जगह पर ही पानी अपने आप पहुंच जाएगा, कहीं पानी देने का जरूरत नहीं। अगर तुमने जड़ में पानी नहीं दिया, तीन बार उसको पत्ते को धो रहे हो, उसकी फल को धो रहे हो, उसको टहनिया को धो रहे हो, लेकिन जड़ पे तुमने पानी नहीं दिया, बताओ पेड़ जीता रहेगा कि नहीं रहेगा? मर जाएगा ना, मर जाएगी ना। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन हम कहाँ देते हैं? मुंह में देते हैं ना। जब मुंह में भोजन दोगे, पेट में जाए ना, आंख भी दिखेगा, कान भी सुनेगा, हाथ भी काम करेगा, सारी इंद्रियां काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति मुंह में भोजन नहीं दे करके बोले क्यों, कान में तो सुनता है ना, ट्रक में दाल डाल दो, आंख में देखते हैं रोटी दे दो, हाथ में काम करता थाल में चावल डाल दो, कोई कहते हैं क्या? जब मुंह में आहार देते हैं, संपूर्ण इंद्रिया तुम्हारी अच्छे तरह से काम करते हैं, बल पते ही उसी तरह सर्वहरणा समस्त देवा देवियों का जो पूज्य भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण को तुमने भक्ति करती, ये 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो गए। महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख लेते कौन हो, जिसको तुम ब्रह्मा बोलते हो देखो ब्रह्मा मेरे थे, जिसको तुम भोले बाबा कहते हो देखो भोले बाबा मेरे थे, जिसको तुम कहते हो हनुमान जी देखो हनुमान जी मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे में। बोले इनकी बात को छोड़ दो, जितने इंद्र चंद्र वायु वरुण और यहाँ तक भी जितने अवतार है, मत्स्य कुर्म ब्रह नृसिंह हे अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे थे। इसलिए कृष्ण कहते हैं मत्त परतर नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में और जो है नहीं, सारा दुनिया का मालिक मैं हूं। जब तुम भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम, ये चीज अच्छा तक दिमाग में बैठा हो, जब कृष्ण के चरण में प्रणाम कर लिया, उसको अंदर में 33 करोड़ देवता उनकी प्रणाम हो गया कि नहीं? जब कृष्ण को तुमने भोजन करा दी, 33 करोड़ देवता भी संतुष्ट हो गए कि नहीं? हो गए ना। इसलिए भागवत कहता है भैया जब तुम कृष्ण को भक्ति कर ली, कृष्ण भजन कर लिया, 33 करोड़ देवादेव की अपने आप पूजा हो गई और तुम्हें इधर उधर कहीं भटकने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये चीज को समझो, बोले श्री कृष्ण का नैया लाल की जय, जय श्री राम, प्रश्न करते स्वामी को। बोले ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले क्या आश्चर्य की बात है? बोले जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो भैया भागवत कथा सुनने के लिए, अगर किसका कोई छोटे मोटे दुकान वगैरह में कोई काम धंधा होगा, बोले मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने, समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात, बोले क्या है? परीक्षित महाराज उस समय कौन थे? केवल भारत का राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर उनको राजनीति थी। पहले ये पृथ्वी एक था, बाद में ये 9 भाग में विभाजित हो गया, लेकिन पहले ये संपूर्ण पृथ्वी एक था। बड़े आश्चर्य की बात है, उनने समस्त काम को छोड़ छाड़ करके और उनने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? किसको लगता होगा ना, अरे जिसका कोई काम धाम नहीं वो बैठ के कथा सुनते, देखो भागवत पढ़ने के, देखो जितने भागवत में कथा आती है ना, छोटे मोटे व्यक्ति कथा नहीं आती है, छोटे मोटे व्यक्ति कथा नहीं आती है, सब राजा महाराजा की कथा आती है, ध्रुव महाराज की कथा आती है, राजा नहीं महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरसी महाराज, भरत महाराज, महाराजों का कथा आती है। बोले क्यों, ये बड़े बड़े महाराज की कथा क्यों आती है? कारण है भक्ति साधारण व्यक्ति करने वाले नहीं भैया, अगर शांति सुख मिलेगा तो भगवान की भक्ति से भजन से, इसलिए सब महाराज महाराज का नाम आती है।
इसलिए महाराज, इसलिए शंकर जी कहते भैया कथा सभी नहीं सुन सकते हैं, ये भगवान की कथा सब नहीं सुन सकते, कौन सुन सकते हैं? शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा परमोई, अति हरि कृपा जा परमोई, अति हरि कृपा जा परमोई, अति हरि आप कृपा करके परीक्षित महाराज की कथा सुनाओ। और भी एक आश्चर्य के बाद, वैसे सुखदेव गोस्वामी जो बनता, जो मातृ गर्भ से जन्म होते ही जो न संन्यास लेकर के चले गए, कहते उन्होंने एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय ये टिकने वाले भी नहीं, ये 16 साल तक कभी मुंह भी नहीं खोले, लेकिन जब इसने मुंह खोले है ना, 7 दिन तक तो मुंह बंद ही नहीं किया, 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किया और 7 दिन तक कथा सुनाए। इसलिए मैंने जो प्रश्न पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके ये समस्त बात को बता के आप कृपा करें। जब उन्होंने ये प्रश्न की, इतने में श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, फिर ये भागवत ग्रंथ कैसे प्रकाशित हुई, फिर ये कथा को मैंने आगे सुनाए। एक आप लोग भजन सुनो, एक बड़े से प्रताप बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोली वृंदावन हरिलाल की, बोली राधा रानी सरकार की, और सभी भगवान की राम नाम मस्ती में सभी रास्ते झूमते गाते हुए Oh,
ब्रजदामृग कौरव संजयानं विरस्वत गतिर्गतेषु। यहाँ पर श्री महाभारत की कथा थी। देखो ये जो महाभारत है ना, ये दो कारण से महाभारत हुई है। देखना हमारे घर में भी जो महाभारत होगी दो कारण से होगी। ध्यान दे कृष्ण, ये महाभारत क्यों हुई? पहला कारण था ये दुर्योधन चाहता था सारे संपत्ति मेरे को मिले, ये पांडव को कुछ भी नहीं मिले, ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? द्रौपदी ने केवल इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होगा। अब देखना पूरी महाभारत ये दो कारण से, देखना हमारे घर में भी इसी दो कारण से लड़ाई झगड़ा होती है। सब चाहते घर का सारी संपत्ति मुझे मिले और उस किसको नहीं मिलती चाहिए। और दूसरा कारण है कभी कभी माताएं है ना, ये जिह्वा को थोड़ी गलती गड़बड़ी काम में लगा देते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे हर चीज में देखना हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथों में हड्डी सीधा हो जाती है, कपर में हड्डी हम बैठ रहते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बताओ किसमें हड्डी नहीं? जीव में। सब पंडित लगता है इसमें, इसलिए ये जीव में हड्डी नहीं। देखना ये जीव है ना, ये चुप नहीं बैठता है। हम मैं देखता हूँ ये कथा में भी कुछ लोग आग बैठे हैं, यहाँ भी अपना चुप नहीं बैठे, बिना कारण से पास पास में बात कर रहे हैं बिना कारण से। इसलिए जीवा चुप नहीं बैठती है, लपर 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 वो कुछ बोलना चाहती है। इसलिए देखना संसार में क्यों लड़ाई झगड़ा है उसी कारण से, केवल ये जीवा अपनी स्लीप हो गई। बस घर में भी महाभारत सुने हो, बहू ने क्या सास को बोल, सास ने बहू को क्या बोल दी, बस इसी कारण से हमारे घर में भी महाभारत होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते भैया, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं बोले बाच बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विषय धीर सर्वा महिमा पृथ्वी सशिष्या। रूप गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति एक दिन संपूर्ण विश्व का अपना अधीन बना सकता है अगर ये छह जीव को कंट्रोल कर लिया। वो पहला जीव कहते बाच बेगम, ये वाणी का बेग, ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, माला लेकर भजन कर, लेकिन ये नहीं करेंगे हैं, ये नहीं करेंगे भगवान नाम नहीं करेंगे, लेकिन चुगली करे तो घटा घटा मिल जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, ध्यान देकर सुना, जब चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारे घर में आपकी भोजन है, महाप्रभु बोले देखो भैया मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले अगर कोई लखपति हो जाए। आज से 5.5 साल पहले लखपति का तात्पर्य है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, 1 लाख। मैंने सुना बुजुर्ग घर में भी बहुत सम्मान होता है, बुजुर्ग खुद दान देते हैं बेटी की शादी में। इसलिए बोले जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, भक्त लोग तो दुखी दुखी हो गए। बोले प्रभु आप लाभ की बात करते हो, हमारे घर में 1000 रुपया लग गए, 1000 रुपया मतलब 1000 स्वर्ण मोहर। बोले 1000 की बात छोड़ दो, हमारे घर में 100 रुपया लगी, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, क्या फिर हमारे घर में आप भोजन नहीं करेंगे? देखो भगवान क्या बोले, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते वही असली लखपति है। इसलिए विराह करती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे पती मैं बिखराओ गली गली। अब जिन जिन ने यह मोती लूटे तो सब माला माल हो गए, और माया के जो पहले पुजारी आखिरी वो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते ना अपना हरिनाम करो, बोले नहीं बच्चों के लिए मुझे पैसा कमा के नहीं जाना है। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे खबरदार बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाए, कर मना करते। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर वो नहा होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक भी बनेगा ना, जितने पैसा तुम कमा के जा रहे हो जुआ खेल करके
शराब पी करके मांस खा करके सब उड़ा देगा, सब उड़ा देगा बच्चा। इसलिए भैया क्या करो, गुरु जी कहते थे ये धन को कमा, ये धन अभी भी पिता की काली तुम ही पकड़ोगे, अगले जीवन में पूरा मालिक तो ही बनोगे। इसलिए गुरु जी कहते थे ये धन को लूटो। इसलिए विद्या कहती है जिन जिन ने ये मूर्ति लूटे वो सब जब खाला माल होंगे, और माया के जो बैठे पुचारी खाती हो गंगाल हुए हैं। इसलिए कहते हैं महाभारत का यही दो कारण था। पर जिस समय ये महाभारत हुई केवल अंतिम समय में दुर्योधन रह गया। दुर्योधन ने अपना माँ को पास में गए, बोले माँ कल हमारी अंतिम युद्ध है, भीम को साथ में अंतिम युद्ध होगा, जो जीतेगा उसका ही जय होगा, इसलिए मेरे ऊपर तू आशीर्वाद कर दे। बोले देख बेटा कल सवेरे जैसे तुमने जन्म लिया था वैसा आ गया, मतलब एकदम निवस्त्र हो गए थे, सर्व नहीं करना, क्योंकि जब से मैंने शादी की तब से मैंने आंखों को बंद करके रखी, मेरी सतीत्व तो मेरे अंदर में पूर्ण रूप में, कल सवेरे आ जाना। लेकिन वो आ रहा था, कृष्ण तो आया भी सब जानते हैं, बोले भैया गड़बड़ी होने जा रहा है। इतने में कृष्ण बीच में आ गए सवेरे सवेरे, दुर्योधन सोच रहा था कोई है नहीं, इतने में कृष्ण सामने आ गए, बोले ये क्या तो निवस्त्र होकर के इसलिए आ गए। बोले भैया बोली बोले तेरे शरम करने कुछ है कि नहीं, अरे अभी तुम छोटा बच्चा थोड़ी हट्टे कट्टे इतने बड़े हो गए हो, अरे कम से कम एक अच्छा तो पहन करके जाया करो। बोले सही बात है, तो उन्होंने केले के पत्ते की कच्छा पहन करके आए, और उन्हें जो आंखों से पट्टी खोल करके देखा पूरा शरीर वज्र हो गया। बोले तुमने जितने अंग में केवल तुमने कच्छा पहन करके आए हो वही केवल कच्छा कर गया। बोले भैया कोई चिंता मत करो, अंतिम समय में भीम के साथ में युद्ध होगा, गदा युद्ध का नियम है कमर का नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए। अभी तो अंतिम जब युद्ध हुई युद्ध में बास कृष्ण ने इशारा किया, बोले हे भीम संपूर्ण शरीर वज्र है केवल जंघा उसकी कच्चा है। इतने में भीम से ने गदा घुमा घुमा कर ऐसे मारे जंघे, जंघा टूट गया वहीं पर गिर पड़ा, दुर्योधन वहीं पर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा इतने में उसका ये भी एक वरदान, बोले क्या वरदान, ये कभी मैं भरेगा हर्ष और शोक दोनों एक साथ में, आनंद और दुख तभी वो भरेगा, नहीं तो भरेगा उनका वरदान। इतने में जंघा टूटा हुआ पड़ा हुआ इतने में कौन अस्वस्थ है, बोले बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, बोले केवल एक इच्छा है, बोले क्या इच्छा है, बोले आश्चर्य की बात है हम 100 के 100 भाई मारा गए लेकिन पंच पांडवों का एक बाल भी बंका नहीं हुआ। इसलिए कहते ना जाके आके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह दैरी कोई है। इतने में जिसको ठाकुर जी स्वयं रक्षा करने वाले को कौन बिगाड़ सकता है। इतने में अस्वस्थ हम आया, बोले बताओ क्या अंतिम इच्छा है, बोले पांडव में एक व्यक्ति का अगर मृत्यु देख लू ना मैं चैन से बनता, बोले कोई चिंता मत करो उनका खून की तिलक लगा कर छोड़ दिए। इतने में कृष्ण सब जानते हैं पांडव को, बोले देखो आज हमारी अंतिम विजय है, चलो हम तरह घूम घाम करके आते हैं, पांडव को लेकर चले गए। इतने में अस्वस्थ हम आ करके उन्होंने एक तरह से सबको मारना शुरू किया, और द्रौपदी को पास में उनको 5 बेटे थे, भीम से जो बेटा थे ना वो भैया सामने ज्यादा मत घुमा करो चुपचाप बैठ जाओ चुप कर। इसलिए भीम से जो बेटा हुआ ना वो देखने में भीम जैसे, अर्जुन से जो बेटा था अर्जुन जैसे, उसको कैसे लगा ये पंच पांडव सोए हुए उनकी गला मार कर लिया है। दुर्योधन तो जिंदगी में जो काम नहीं कर पाए ना वो काम तो मैंने एक रात में कर दिया। बोले क्या क्या तू बोल रहा था, एक पांडवों का मृत्यु करने के लिए ना मैंने पंच पांडवों का मैंने गला काट करके ले आया। दुर्योधन इतना प्रसन्न हो गया, बोले भीम का सर ले दे, क्यों अकेला भीम ही हमारे 100 भाइयों को मारा, सबसे जो बड़ा सर था ना उसको पकड़ा दिया। इतने में दुर्योधन पकड़ करके जब उसे दबाया ना एकदम पीस गया। दुर्योधन बोला ये कभी भी भीम का सर नहीं हो सकता है,
क्योंकि मैंने कितने गदा प्रहार की, दस से मस्तक भी नहीं हुआ और मैं दबा दिए चकना चूर कैसे हो गया। इतने में बिजली चमक कर देखा, वो भीम का सर नहीं और भीम का बच्चे का सर। दुर्योधन इतने दुखी हो गया, अश्वत्थामा को गाली देने लग गया, बोले हमारी शत्रुता पांडवों के साथ में, हमको बच्चों के साथ में नहीं, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम हमारे बच्चे, हम तो सब मर गए, मरने के बाद हमें पितृ अर्पण कौन करेगा, पिंड कौन देगा, कोई रहे नहीं, बोले तुमने हमारे वंश को ध्वंस कर दिया। इतने अश्वत्थामा को जो पता चला अभी बच्चे पांडव जीता है, अर्जुन का पराक्रम उसको पता है, वहां से भगाओ, वहां से सवेरे होते ही कृष्ण अर्जुन उसको पीछा किया, पकड़ने वाले थे। इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, जब ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया इतने में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को, उन्हें छोड़ना भी जानता था और उसको वापस लेना भी जानता था, उसको वापस ले लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके जानवर जैसे बांध करके द्रौपदी को सामने ले आए। बोले द्रौपदी, मैंने प्रतिज्ञा की थी जिसने हमारे पांच बच्चों को मार डाले उसका सर पर तो बैठ करके बच्चों का तर्पण कर दी, मैंने इसको पकड़ करके ला दिया, बताओ अभी तुम्हारी क्या इच्छा है। लेकिन द्रौपदी कैसे है, संत है ना, कृष्ण भक्त है ना, भक्तों का हृदय कैसे है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले संता हृदय ना बनी ता समाना, संता हृदय ना बनी ता समाना, संता हृदय ना बनी ता समाना, संता मक्खन तो गरीबी से पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय दूसरों का दुख देकर के संतों का हृदय पिघल जाता है। लेकिन कृष्ण का भक्त तो द्रौपदी है ना, द्रौपदी ने बोले मुच्यताम मुच्यताम, वैसे उसको छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, मेरे को पता है बच्चे मरने का बाद माताओं को क्या स्थिति, मेरे को पता है पांच पांच बच्चे मर गए, अरे ये किसकी बेटा है, अरे गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का बेटा, कृष्ण के बेटा, वो ब्राह्मण है, अगर इसको मार दिया तो क्या होगा, उसकी जो मैया दुखी होगी उसका अभिशाप हमारे ऊपर पड़ेगा, उसको छोड़ दो। भीम बोले छोड़ दो, हमारे स्वयं ही सारे बच्चों को मार डाला, वंश ध्वंस करके छोड़ दो, अभी मैं देखता हूँ उसको। इतने में भीम का छपट पड़ा, बड़े दिनों में कृष्ण का चारनाथ काम है, एक तरफ में तो मैंने भीमसेन को रोक रहे थे, दूसरे तरफ में दो हाथों से द्रौपदी को सांत्वना दे रही थी। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, इसका सर काट करके ला दो। बोले हाँ, अभी तुम जो कुछ करना तुम करो। इतने में अर्जुन ने देखा, अगर मानी व्यक्ति को अगर अपमान कर दिया था नहीं मरने का बराबर, उसने किया क्या, उसको सर पर मणि था, मणि को छीन लिया और उसको सारे मूड उड़ा करके पांच चोटी रख करके गला में धक्का दे करके अपमान कर घर से निकाल दिया। लेकिन जो दुष्ट होता है उनको दुष्टता कभी नहीं जाता है, वो मार सकता था अर्जुन लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, बोले ये पांडवों का वंश समेत मैं ध्वंस कर दूंगा। अभी कहते श्री अभिमन्यु का जो पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, अभी वो गर्भवती है, पांडवों का वंश धर्म में एक बच्चा, अगर उसको मार किया ना वंश खत्म हो जाएगा। उन्होंने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, इतने में उत्तरा आकर कृष्ण शरण में आ गए, बोले प्रभु
तुम्हें मर गया कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडवों का धरोहर अगर मर गया तो वंश ध्वंस हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी उसकी गर्भ में प्रवेश करते हुए गदा घुमा घुमा करके ठाकुर जी ब्रह्मास्त्र को विस्तृत करके उन्होंने रक्षा की। और वो जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, जो काले काले श्री मुरली वाले को मैंने गर्भ में देखा वो कहाँ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि ये भागवत ग्रंथ का श्रोता कौन श्री परीक्षित? बोले भैया इसका भक्ता कौन है? बोले इसका भक्ता भी साधारण नहीं, कभी ये सुखदेव गोस्वामी की भक्ता है। भागवत ग्रंथ में श्रोता जितने उच्च कोटि के, कभी जो भक्ता भी है ना वो भी उच्च कोटि के संत है। बोले भक्ता कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं, ये राधा रानी की पालतू तोता है। राधा रानी जिनको हाथ में बैठा करके आनंद के दाना खिलाया करते थे, बोलती थी राधा रानी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोलती थी कृष्ण कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, ये तोता एक दिन राधा रानी के हाथ से उड़ते हुए उड़ते उड़ते बरसना चला गया और एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके राधा रानी कृष्ण विरह में चार लाइन का एक श्लोक उच्चारण किया। और ये तोता बोले राधा रानी के तीन तोता थे, कितने तोता थे? एक तोता है विचक्षण तोता, विचक्षण मतलब बड़ा चतुर है। एक तोता है मंजूभाषी, मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी मीठी बोलता था। और एक तोता है सुभा, बड़ी से सुंदर वचन बोलता था। इसलिए राधा रानी अलग अलग तोता अलग अलग समय काम करती थी। अब ये तोता विचक्षण तोता जो चार लाइन का जो श्लोक था वो एक बार राधा रानी कृष्ण विरह में जो बोल रही थी, बोले कृष्ण प्रति तो मेरी प्रेम हो गई, लेकिन कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं। अरे यद्यपि समाज सुविधिर भी पश्यति न तब न घाघ्र परिचित, जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी कितने कठोर तपस्या करते हैं कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कृष्ण प्रति बड़ी प्रेम हो गई। लेकिन वो तो दुर्लभ पुरुष है, लेकिन उनको मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? अब ये तोता ये श्लोकों को याद करते हुए पेड़ में बैठ करके बड़ी सुंदर राधा रानी की कीर्तन कर रही थी, हैं? बड़े सुंदर कीर्तन कर रही थी। बोले राधे का नाम नमो बोलो बोलो राधे राधे, राधे का नाम नमो बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम नमो बोलो बड़ी सुंदर श्लोक है, बड़ी सुंदर श्लोक उच्चार एकदम राधा रानी की कला की जैसे।
अरे बाप, ये राधा रानी की गला की कैसे आवाज इतने सुनीली। तब उसने सोने की पिंजरा बनवाए और वो पिंजरा ने से तोते पर रख दी। इतने में राधा रानी तो बड़ी व्याकुल हो गई। एक मधुर का नाम का एक सखी थी, बोले देखो तो मेरा तोता कहाँ गया। और ढूंढते ढूंढते आकर के देखा कृष्ण का हाथ में बैठा हुआ और कृष्ण बड़े लाड़ लड़ा रहे हैं और उसको अनार की दाना खिला रहे थे। मधुर का बोली कन्हैया, ये हमारे किशोर जी की तोता है, इसको छोड़ दो, इसको दे दो, ये किशोर जी की पालतू तोता है। कृष्ण बोले अगर तुम्हारी किशोर जी की पालतू तोता तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारी हाथ में चला गया, समझूगा भैया तोता तुम्हारी ले जाना। बोले कन्हैया तेरा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है? सत्य की कृष्ण जो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में जो आकर्षण करे। बोले कन्हैया जो एक बार तेरे हाथ में बैठ जाए और तुम इतने प्यार को लड़ाओ तो कभी तुमको छोड़ सकता है? भैया तोता तो मेरे पूजा। इतने में वो मैया जसोदा के पास में गई, बोले मैया हमारे किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया। कन्हैया ने पकड़ करके देना नहीं चाहते, बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचारणा करने जाएगा पीछे से मैं भेज दूंगी। अभी कृष्ण जब सुखदेव गोस्वामी है, ये कोई साधारण तोता नहीं है जिसको राधा ने स्वयं चुंबन करके दी। कृष्ण मान करके इनको निकुंज में रहने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री व्यास देव जी जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की, बोले ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बनाया लेकिन ग्रंथ पढ़ाए तो पढ़ाए किसी को, लेकिन तो बनाया था सुखदेव के लिए, लेकिन तो जंगल में साधु बन करके चला गया। उनकी चार ही चेले थे, बोले देखो बेटो जंगल में उन्होंने बोला, बोले क्या श्लोक है? मतलब कृष्ण कितने सुंदर है राधा रानी, अपना घर में बैठी हुई गणपित में कृष्ण कितने सुंदर है, वो सुंदरता को वर्णना कर रही है। कृष्ण कैसे है? बोले बराहा प्रिय जिसने सर पर मरु पद लगाए। बोले मरु पद क्यों लगाए? इसका पांच उसमें से राधा जी का नाम लिखा हुआ। दूसरा का तात्पर्य है मरु का नृत्य बड़े सुंदर नृत्य है, इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। तीसरा कारण है कभी राधा रानी ने मयूरी रूप धारण की थी। चौथा कारण बताए एक दिन कृष्ण तो अपना सर्व धारण किया, इसलिए बोले बराहा पीड़म नटवर बहु। इनका रूप कैसे? बोले तीन जन से टेढ़े। बोले टेढ़े क्यों? बोले कोई सीधा चीज अगर अंदर में जाए तो निकल आएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज अगर घुस गया ना निकलेगा नहीं। अगर कृष्ण किसकी हृदय में एक बार प्रवेश कर गए ना भैया, फिर तो निकलने वाले नहीं, तो उसको हृदय से और निकलने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। कौन सा वस्त्र धारण किया? बोले पीतांबर। बोले क्यों? बोले राधा रानी का जो रंग है वो पीत वर्ण है, प्रति राधा रानी का प्रति प्रेम को प्रकाश करते हैं। बोले गले में जो माला है, बोले ये सात रंग की, कभी पांच रंग की। बोले सात पांच मतलब क्या? पांच मुख्य रस और सात गौड़ रस, माने समस्त भक्तों के हृदय में ठाकुर की धारणा करके रखे। बोले गले में गुंजा माला, बोले गुंजा माला क्यों धारण करते हैं? बोले ये बिना पैसा की भगवान शिक्षा देते हैं, ऐसे नहीं कोई बहुत कीमती चीज मुझे दे तभी मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसी चीज नहीं, मैं तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और कृष्ण जब सखाओं को साथ में श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन भूमि ठाकुर जी का चरण को स्पर्श करते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे जो कृष्ण कन्हैया कृष्ण जब सखाओं को साथ में प्रवेश करते हैं, सखा लोग बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उन्होंने ये श्लोक को सुने, सुख
सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो निराकार निर्विशेष ज्योति को ध्यान करते थे, लेकिन उसमें तो कोई ज्योति ही ज्योति। लेकिन हमारे कन्हैया कैसे हैं, कहते हैं ना, बांके बिहारी की देखे चटा देखे चटा मेरो पहनाए बहो लटा। इसलिए हमारे जो कृष्ण हैं बड़े सुंदर हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां ताना मारती हैं, क्या कहती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर रही, अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना, होती तो सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए आपस से आपस में युद्ध करके मर जाती। इतने सुंदर हमारे से कृष्ण कन्हैया। इसलिए कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों काम देवी यहाँ पर परास्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे से भगवान कृष्ण इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी तो निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला, बोले हमारे गुरु जी बोले मेरा कहीं एक तोता उड़ते हुए चला गया, पकड़ के ला दो। हमने पूछा तोता पकड़ के कैसे, पता कैसे चलेगा, बोले ये मंत्र सुन करके अपने आप जो आ जाए समझ में मेरा तोता। बोले मैं वही तोता हूँ, वो तो देखने में बड़े सुंदर है, आप बताओ वो कहाँ रहते हैं। फिर दूसरा भक्त ने क्या बोले, सबसे महत्वपूर्ण चौथा जी को प्रश्न करते हैं,
कृष्ण भजन क्यों करें? बोले भैया उसका नेचर कैसे, स्वभाव कैसे, भले ही तुम देख माला माला तुम्हारे परिवार बढ़िया, लेकिन बेटा दिन भर माल घर में पड़ा रहता, कोई काम धाम नहीं करता, बड़ा क्रोध है, बात बात में पिटाई करना शुरू कर देता है। फिर बेटी को आप साथ दोगे? भले जितने पैसा क्यों नहीं हुआ, सुंदर क्यों नहीं, असाध थी, अरे उसकी दया की नेचर की बात बताते हो भैया, कन्हैया जैसे दया जगत में कोई नहीं। पुतना जब आई थी कृष्ण को मारने के लिए, जहर लेकर के राक्षस थी, लेकिन हमारे इतना ही नाटक थी, लेकिन ठाकुर जी कहाँ स्थान किए? बोलो कभी राम ने स्थान दे दिए, इतने दयालु। इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो, भैया कन्या जैसे दयालु जगत में कोई नहीं। इतना जब सुने ना, उन्होंने हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ कर और किसको भजन करो? और किसको भजन करोगे? देखो दूसरे देवाधिदेव को भजन करो ना, अगर थोड़ी सी तुम्हारी सेवा तो फेर नहीं, उनको उल्टा फल उसी समय तुम्हारी उल्टा फल मिलेगी। थोड़ी सी तुम्हारी अपवित्रता हो गई, कोई सेवा पूजा में गड़बड़ी हो गई, वो देवता उल्टा फल एकदम मिलेगी। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी ऐसे नहीं होती। क्यों? बोले तुम्हें वो माता चे, अगर कोई तुम्हारी सेवा पूजा में गड़बड़ी होगा तो ठाकुर उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारी जो अच्छी चीज को ग्रहण करेंगे, तुम्हें प्रेम और भक्ति प्रदान करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम। लेकिन ऐसे कन्हैया से भी ना हम जो राधा रानी ना, उनसे भी ज्यादा दया के कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोला, इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनाई। क्यों? ये सुखदेव गोस्वामी भागवत की वक्ता, ये श्री सुखदेव गोस्वामी। इसलिए जिस समय श्री व्यास देव जी ने भक्ति योगे न सम्यक प्रणीत वाले, उन्हें भक्ति योग समाधि को द्वारा उन्होंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन का दर्शन करके, फिर उन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की। लेकिन पहले जब रचना कर रहे थे सब पुराण को रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रहा था। इतने में श्री नारद जी आए, बोले गुरुदेव मैंने जीव कल्याण के लिए तो इतने सारे ग्रंथ रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिलता है। तब श्री नारद जी बोले देखो, बोले जथा धर्म दयाता मुनि पर जाति न तथा वासुदेव बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। तुम्हारी और हमारी बात छोड़ दो, ये व्यास स्वयं जगत में जितने धर्म हैं, कि सारे शास्त्र को रचना किया किसने की? व्यास देव। वो व्यास देव स्वयं कहते हैं मैंने ये वेद पुराण इतिहास समस्त रचना तक की, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। लेकिन नारद जी कहते क्यों शांति नहीं मिली? बोले कारण है तुमने जितने जितने दूसरे दूसरे धर्मों को तुमने जितने बढ़ा चढ़ा कर बताया, उतना तुमने कृष्ण भक्ति को बाद में तुमने नहीं बताया, हरि की भक्ति को बाद में तुमने नहीं बताया, हरि भक्तों को विषय में तुमने नहीं बताया, इसलिए आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अगर तुम आत्मा को शांति देना चाहते हो, ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें भगवान और भक्तों का चरित्र लिखो, उसी से ही शांति मिलेगा। ने ये भागवत ग्रंथ रचना की, ग्रंथ रचना करते हुए उन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। अभी श्री कृष्ण द्वारका के हस्तिनापुर में बहुत दिन तक रुके हुए थे। एक दिन पांडवों को बोले देखो इतना दिन तक मैंने रुक गया, अभी मेरे को जानी चाहिए द्वारका में। अर्जुन को बोले जाओ अर्जुन, कृष्ण को विदाई दे करके आओ। लेकिन गए तो विदाई देने के लिए 7 महीना हो गया, वापस नहीं आए। एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज बड़े अनुमति देख रहे थे, हठात देखा अर्जुन का आकर दिए पूरा चेहरा उदास, कोई तेज ही। बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले प्रभु जी भैया भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए,
इतना सुन कहकर वहां पर श्री मैया कुंती ने शरीर छोड़ दी। पांडव लोग श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए पंच पांडव भी महाप्रयाण में चले गए। ऐसे ही लीला हुई श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। इसलिए प्रभु जी जब जगत को सृष्टि करना चाहते हैं उन पर नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी चारों तरफ में पानी पानी देखा, बोले मेरी सृष्टि कहां से हुई है? कमल नार में हजार साल तक पता लगाया लेकिन कोई पता नहीं मिली। जब ऊपर में आए व्यंजन वर्ण का दो अक्षर संता और उपा, बोले तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की उसी समय में भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान हुए परम गुणम जद विज्ञान समर्पित सार सच्च गृहान गलित। भगवान सर्वप्रथम ये ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और जो भागवत को चतुश्लोकी कहते हैं सर्वप्रथम भगवान ये चतुश्लोकी रूप में ब्रह्मा जी को दिया। यही चतुश्लोकी विस्तार रूप में ये 18,000 श्लोक रूप में परिणत हुआ है। ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी मानस पुत्र चतुष्ण को सृष्टि की, बोले संसार के क्रम बढ़ा। उनने संसार के लिए मना कर दी। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनको गुरु से श्री भोले बाबा प्रकट हो गए, श्री रुद्रदेव प्रकट हो गए। उनने शंकर जी को भी बोले ये सृष्टि का क्रम बढ़ा। शंकर जी ने देखा भैया अगर मैंने मना कर दू तो पिताजी क्रोध करेंगे, ऐसे सृष्टि को अपने आप पिताजी मना कर दे। तो उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि की, ब्रह्मा बोले कोई सृष्टि है बंद करो जरूरत नहीं। शंकर जी बोले भैया हम यही जा रहे थे। फिर परछाई से कर्तव्य ऋषि को सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी अपना 10 संतान को उन्होंने जन्म दी। फिर अपना शरीर से मनु और सत्र का उन्होंने जन्म दिया और यही मन मनु और सत्र का से ये जगत का सृष्टि धीरे 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 जगत की सृष्टि हुई। इसलिए हम लोग को कहते मानव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग ने श्री मनु महाराज से हुए, उनको 2 बेटे और 3 बेटी हुई। 2 बेटे हुए धनपाद और प्रियव्रत, 3 बेटी हुई आकृति देवती और प्रसूति। जिनकी ये 3 बेटी हुई यहीं से धीरे 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 ये विश्व ब्रह्मांड सब के सब भर गए। लेकिन अभी का जो साइंस है ना, अभी का हम लोग डार्विन का थ्योरी, बोले हम लोग कहाँ से हुए हैं? बोले हम लोग ने सब के सब बंदर से हुए हैं। हमारे पूर्वज लोग सब के सब बंदर थे, इनकी पूछ कटते कटते जब खत्म हो गया ना फिर हम इंसान बन गए। लेकिन हमारे भागवत कहना है हम कहें बोले मैं बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं। आप क्रिश्चियन का ग्रंथ पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में भी लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। भगवान ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। आप मुसलमान का कुरान को पढ़ो, वहां पर कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया जो इंसान अंदर से हुए हैं। इंसान अंदर से हुए हैं इसलिए हम कहां से हुए हैं? तो मैं माता जब कौन है हमारे पिता माता ठाकुर जी, देखो जगीमा ठाकुर जी देखे नहीं आप भगवान राम ने तो कृष्ण से हमारे चेहरा को मिला मिलेगा कि नहीं? भगवान कृष्ण कितने हाथ हैं? 2 हाथ। हमारी जान में 2 हाथ है? 2। भगवान कृष्ण की आंखें कैसे हैं? भगवान राम के हमारे जैसे ना। भगवान के कितने दांत हैं? 32 दांत हमारे भी ऐसे। भगवान के प्यार जैसे पिताजी जैसे बच्चे तो वैसे होंगे ना, पिताजी जैसे बच्चे तो वैसे होंगे। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए,
ये टारगेट मरने से पहले बोल कर गया कि गवर्नमेंट ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, तुम ये प्रूव करके दिखा दो बंदर से लिए। उसने किया क्या, एक बंदर का सर, एक गरिला का सर लेकर जोड़ दिया, बोले देखो धीरे 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 बंदर के निशान हो गए। भैया उसी समय बंदर से इंसान हुए, अभी तो कोई बंदर से इंसान नहीं हो रहे। इसलिए भैया हम कोई बंदर से नहीं हुए, किससे हुए हैं, हम श्री भगवान कृष्ण से हुए हैं, भगवान श्री राम से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राम जिसमें बहुत सारे माताएं इसमें जुड़ी हुई है, बहुत सारी माताएं जुड़ी हुई है, और ये लोग भक्ति में ना बड़े एडवांस है, क्योंकि उनको उठा करके हरिनाम कराती है, उनको श्लोक सिखाती है, कभी कभी उनको क्या करती है, कभी कभी उनको कोई जैसे गीता की कोर्स है उसमें कोर्स में जोड़ करके धीरे धीरे भक्ति को बाद में धीरे धीरे उनको समझाती है। इसलिए यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं, हम चाहते हैं ये लोग आपको थोड़ी थोड़ी कुछ कथा सुनाए। देखो ये एक बच्ची है, क्या नाम हमारे भक्ति देवी प्रभु कुमार की, देखो ये थोड़ी सी आपकी कथा सुनाएगी। देखो देखने में तो बहुत छोटी बच्ची लगती है, लेकिन बहुत छोटी बच्ची लगी थी, बड़ी छोटी भी है। हाँ, इसने आप सोच नहीं सकते हो, इसने भगवान की भक्ति की प्रचार करती है और बहुत सारे माताओं को उन्होंने भक्ति में जोड़ी और उसको मेरे पास में ला कर हमसे हरिना मिल जाए। इसे इनके लिए ताली बजा आप जोर से। छोटी बच्ची होते हुए ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं करती है, पढ़ाई भी करती है, हैं सारे काम करती है, लेकिन उसको साथ साथ में ही ये भक्ति में जुड़ी हुई और भजन करती है, विष्णु को भजन कराती है। अगले आज कौन बोल रहा है उसको सुनसान सर la 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 la
देखो इन लोगों ने कोई युग में छेड़ दिए, पंडितन आते ये लोग सबके सब भक्ति और भगवान की कथा सुना रहे, कारण है वो एक युग में छुड़े हुए हैं। देखिए बच्चे भी देखो और एक बच्चे आप बोले इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उसमें वो कोर्स करवाते हैं, गीता की कोर्स करवाते हैं, भगवत गीता की श्लोक सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तभी बच्चे बोल पा रहे हैं। जो आप जानवरों को तड़प के देखकर खुश होता है
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, देखो ये बच्चे इसलिए बोल पा रहे हैं कि फोन में जुड़ेंगे। हमारे भगवान दर्शन देव कहते हैं जिनकी परिवार में एक बच्चा भी भगवान की भक्ति लग जाए ना, उसको इक्कीस पीढ़ी में हो जाता है। भगवान क्यों कहते हैं? बोले जन्म की मतलब माँ, जो माँ वो बच्चे को जन्म देती है वो माँ की जीवन में पहले ही धन्य हो जाए। अभी ध्रुव जी का दर्शन, जो पिता माता पहले ठाकुरों के पास में चले जाएंगे, जो पहले चले गए बोले नृत्य स्वर्ग, वो तो स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमारी भाषा में एक बेटा भगवान की भजन करना इतने महिमा है। अभी जो बच्ची कथा सुना रही ना, इसकी मैया यहाँ पर है क्या? कौन इसकी माँ? अरे जो बच्ची कथा सुना रही आज आई नहीं, हृदय इसके देव की बेटी है, कालंदी की बेटी। इसलिए इसका माँ पहले भक्ति में इतना रुचि नहीं थी, लेकिन जब ये जून में जुड़ गई ना, पूरा परिवार को भक्ति में लगा दी, पूरा परिवार को भक्ति में लगा दी है। इसलिए अगर आप चाहते हो बच्चे तुम्हारी गलत मार्ग में नहीं जाए, बच्चे सही मार्ग पर जाए, अभी अभी कोर्स हमारे शुरू होने वाले, एक तो लड़कों के लिए एक अलग और एक लड़कियों के लिए भी अलग है, दो जोन है। लड़कियाँ लड़के के साथ में जुड़ जाती हैं और जो लड़के हैं वो लड़के के साथ में। अगर आप लोग का जब कोई इच्छा होगी ना जू में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों को जू में हम जोड़ेंगे कि बच्चों का अपना नाम देना, अपना बेटा आपका और अपना बेटियों का देखना, तो बच्चे और गलत रास्ता पर चल जाएंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, भगवान की भजन करेंगे और घर में भक्ति से शांति और सुख भी रहे। ठीक है, अभी हमारे प्रभु जी आपको ध्रुव जी की चरित्र सुनाएंगे, जो उत्थान पाद के जो दो बच्चे हुए थे, एक एक हुए कौन है, एक हुए प्रिय व्रत और एक हुए उत्थान पाद। अब इसी कथा सुनाएंगे। और देखो कल है, कल कथा की चौथा दिन है, यहाँ पर कुछ भक्तों की इच्छा थी, कल यहाँ पर कुछ नगर संकीर्तन निकाले, कुछ टोला निकले, जैसे हर साल इधर रथ यात्रा हुआ करती थी, इन्हीं की इच्छा थी हम इस बार कुछ ऐसे निकाले। लेकिन जो कल है, अगर रथ यात्रा निकालेंगे तो क्या होगा, टोला निकालेंगे तो फिर ये भागवत कथा नहीं हो सकती है। क्यों? उसमें कृष्ण जन्म लेंगे, नरसिंह भगवान का ही जन्म लेंगे, कल बामन भगवान की जन्म लेंगे, फिर ये तथा राम जन्म लेंगे, सारे भगवान का ही जन्म लेने वाले। इसलिए हम जो नगर संकीर्तन है टोला को कथा का लास्ट का दिन हम बैठ करके बात करेंगे, लास्ट का दिन ये टोला को निकालने के लिए कोशिश करेंगे आपकी गली गलियों में कीर्तन करते हुए, गली गलियों में कीर्तन करते हुए, जैसे रथ यात्रा निकालते ऐसे कोशिश करेंगे। इसलिए कल भगवान जन्म लेने वाले हैं, इसलिए जैसे मैया यशोदा जब गर्भ धारण की, छह महीना पहले जितने ब्रज गोपियां थी सबके सब चौरासी लहंगा चुनकी लहंगा बना कर रखी, बड़ी सुंदर सुंदरी बना कर रखी और सुंदर अलंकार को बना करके रखी, बोले लाला जन्म होगा तो हम उसको बधाई देने के लिए जाएंगे पहले करके। इसलिए आप लोग जितने गुजरी गुजरी कौन है, ये गोपी है, ये जो गुजरी है ना, गुजरिया बोल गुजरिया करे घर में आया, तो गुजरी गोपी है। इसलिए तुम लोग जो गुजरी मतलब गोपी घर में तुम लोग जन्म हुई हो है, इसलिए कल भी आप लोग बढ़िया बढ़िया और पीले पीले रंग के सुंदरी और बड़े सुंदर घाघरा लहंगा सुंदरी और बड़े सुंदर कपड़ा पहन करके सब भज करके सबके सब आना और भगवान कल जन्म लेने वाले, उसमें लुटाने के लिए भी कुछ कपड़ी जैसे कुछ खिलौना हो, क्योंकि आप सब लोग मिलकर की कथा कर रहे हो, सब अच्छे तरह से सब भज करके आना। और कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया, हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृत ग्रंथीषेणि सुभग कटिजुत्रो ज्वलकरः
चैतन्य किं मे पुनर्दृश्यो यास्ति पदम् श्री राधा कृष्ण समारम्भान् श्री चैतन्य महाप्रभु मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तान् वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। सो मत भैया उठ जाओ। हरे कृष्णा। मान्याः मदान्याः सुरभारती सुरभितान्तःकरणाः संतो महंतो विद्वांसो हृदयाघातख्याः विरतवेदितव्यः इत्थं भूतायैः उपस्थितौ वर्तते मम गुरुदेवः। ओम विष्णुपादश्रोतरशतभक्तिवेदान्तश्रीधरगोस्वामी महाराजाः परम गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण विष्णुपादश्रोतरशतभक्तिवेदान्तश्रीनारायण गोस्वामी महाराजाः सर्वानहं मुहुर्मुहुः प्रणम्य किञ्चित् वचने साम्प्रतम् उपस्थितौ सन्ति वैष्णवाः वैष्णवभ्यांश्च सर्वानहं मुहुर्मुहुः प्रणन्ति किञ्चित् वचने साम्प्रतम् तत्र मुदन्तं भवन्तः श्रीमन्तः श्रुणवन्तः। गुरुदेव का आदेश है कि श्री ध्रुव महाराज जी का चरित्र कहा जाए। श्रीमद् भागवत जी का सबसे बढ़िया प्रसंग लगता है मुझे श्री ध्रुव चरित्र। मेरे गुरुदेव का ही पढ़ाया हुआ है, इन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत जी दास को पढ़ाई है। तो सबसे पहले मैंने गुरुदेव के सामने जो सबसे पहले इन्होंने पढ़ाया था तब इन्होंने कथा कहने के लिए मंच पर मुझे बोला, आदेश दिया, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक था ध्रुव चरित्र। वो ध्रुव चरित्र ही मैंने सुनाया था। उसके बाद मैं ध्रुव चरित्र लगातार सुनाए रहा, उनकी भी कृपा से। प्रयाग कुंभ में भी मैंने 8 दिन तक केवल और केवल ध्रुव चरित्र ही कहा था। उत्तानुपाद और प्रिय वर्ग, देखिए पहले इनका अर्थ समझ लीजिए। उत्तानुपाद और प्रिय वर्ग का अर्थ क्या है? प्रिय वर्ग का अर्थ क्या है? प्रियाणी व्रतांसी यस्य सप्रिय व्रतम्। जिसको जो कुछ करना चाहता है वो करना अति प्रिय लगता है उसको कहते हैं प्रिय व्रत। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानस्य तानस्य पादाम गृह श्रेष्ठ उत्तानपादो। जिसको इतने श्रेष्ठ भक्त ध्रुव के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद एक बार भव्य मंच सज रहा था। उत्तानपाद अपने आसन पर आरूढ़ था। इतनी देर में उसकी पत्नी, उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति थी, पहले के जमाने में जो संस्कार होते थे, जो नाम धर दिया उसके अकॉर्डिंग संस्कार प्रचलित हो जाते थे। आजकल के लोग इंटरनेट पे खोज करके तो नाम डिसाइड करते हैं कि क्या नाम रखे अपने बच्चों का, और उल्टा उल्टा रखते हैं। एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी हरिद्वार की प्रिंसिपल, अब तो रिटायर हो गई वो, तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, अरे तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? तो उनकी बेटी ने कहा, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा विष्टा। ओहो, उसने समझाया कि विष्टा पता है किसे कहते हैं? पोटी को विष्टा कहते हैं। अब अर्थ मालूम नहीं है और फालतू बड़ा नाम रख दिया। पहले के जमाने, पहले का जो युग था उसके अंदर संस्कारों प्रज्वलित नाम ही रहा। पहले के समय में जो नाम रख दिया जाता था उसके उससे संस्कार प्रज्वलित हो जाते थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी नीति शुद्ध है, जिसकी शुद्धयान नीतया ये न सुनीति नीतये। जिसकी नीति शुद्ध है उसको सुनीति कहते हैं, जिसकी नीति परम शुद्ध है उसको सुनीति कहते हैं। सुरुचि रुचया नृपा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास कर दो, रुचया नृपा ये न, जिसकी रुचि राधा में जिसकी अत्यधिक रुचि है। क्योंकि सुरुचि जो थी वो बहुत सुंदर थी, सुनीति जी सुंदर नहीं दिखती थी, तो इसीलिए सुनीति जी को अलग ग्रह में राजा ने रख रखा था और सुरुचि को अपने पास रखते थे। सुनीति जी के सुंदर बालक थे जिनका नाम था ध्रुव। सुरुचि का भी एक बालक था जिसका नाम था उत्तम। एक बार क्या हुआ, राजा का दरबार प्रस्तुत था, उत्तानपाद अपने मंच पर आसीन था। इतनी देर में खेलते खेलते ध्रुव जी आए। ध्रुव जी ने देखा कि उत्तम
स्वाभाविक है, एक बच्चे का अपने पिता की गोदी में बैठना स्वाभाविक है। तो जब उन्होंने देखा कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठ गया, तो ध्रुव जी नजदीक आए और सिंहासन की सीढ़ियों पर जैसे ही पैर रखा और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहे, इतने में सुरुचि उसको गुस्सा आ गया, उसने जोर से फटकारा ध्रुव को कि अरे हट, तू पिता की, तू इनकी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? यदि तुझे इनकी गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। पहले मेरा बेटा बन, उसके बाद वो इनकी गोदी में बैठने का अधिकारी होगा। इतनी देर में ध्रुव ने एक तक अपने पिता की ओर देखा कि पिता तो मेरे अपने हैं, क्या पता पिता ही कुछ कह दे। पर पिता कुछ नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि वो उस रानी में आसक्त था, इसी कारण से वो कुछ नहीं कह सका। लोग प्रश्न करते हैं, जानकी जी को दूसरा वनवास क्यों दे दिया? ये मंदबुद्धि लोग ये प्रश्न करते हैं, ऊंट पटांग कहते हैं, जानकी जी को क्यों वनवास दे दिया? जानकी जी को वनवास देने के अन्य कारण थे। एक राजा की प्रजा संतान होती है, संतान के संतान को सुख प्रदान करने के लिए यदि राजा को अपने ससुर का त्याग करना पड़ जाए, इस कारण से जानकी जी को मन का त्याग दे दिया। और अन्य कारण है पर समय नहीं है। राजा कुछ नहीं बोला, ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। देखिए, जब सुनीति के पास गए, ध्रुव जी सुनीति के पास गए तो रोते बिलखाते हुए ध्रुव जी, उनकी स्थिति ऐसे हुई जैसे किसी बच्चे को अत्यंत अत्यंत क्रोश आक्रोश से विलीन कर रखा हो। तब जगे ध्रुव जी गए और जाकर के सुनीति जी के पास रोने लगे। सुनीति जी विफल हो गई, अपनी आज साड़ी के आंचल के कोने से ध्रुव जी के अश्रु पोंछा और पोंछ करके पूछा कि क्या बात है ध्रुव, बताओ। तो ध्रुव ने कहा, माता क्या मैं पिता का पुत्र नहीं हूँ? क्या वह मेरे पिता नहीं है? उन्होंने कहा, वो आपके पिता है, बात क्या हुई है? तो उन्होंने सारी बात बताई। मैं बैठना चाहता था परंतु विमाता ने कठोर वचन कहे, इस कारण से मैं बैठ नहीं पाया। देखिए आजकल की होती, अगर आजकल की कोई तो, माता जी पानी पकड़ाने वाली हो भैया, माता जी बैठ जाओ पानी मत पकड़ो, अभी बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। तो आजकल की माताएं होती तो बच्चे ने अगर शिकायत करती तो तुरंत चल अभी कोर्ट केस करती हूँ तेरे पिता पे, चल ऐसे कैसे। पर उनकी नीति शुद्ध है ना, क्योंकि नाम ही सुनीति है। तो उन्होंने कहा कि देख, इसके अंदर दो उत्तम पक्ष है। देख ध्रुव, मैं तुझको आज ऐसी बात बताऊंगी कि यदि आज के बाद इससे भी कठोर प्रहार तेरी जिंदगी में, तेरे जीवन में हुआ तो भी तुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्रुव की माता ने कहा, तो ध्रुव जी ने कहा, क्या मैया? तो ध्रुव की माता ने कहा, अगर तुम्हें जग ने ठुकराया तो समझो अब प्रभु ने अपना। बहू ने खूब पिटाई करी,
बेटे से अपने ससुर की खूब पिटाई करी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। इतने में नारद जी जा रहे थे तो बाहर बैठा वो ससुर रो रहा था। नारद जी ने पूछा कि क्या बात हो गई, तो नारद जी को कहा क्या करूं, मैंने जन्म दिया इस बालक को, बड़ा किया, इसका विवाह किया, इसकी पत्नी मुझे मार रही है। नारद जी को दया आ गई, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे आश्रम में। वो बूढ़ा बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बाबा जी, अरे मुझे वो मार रही है, कम से कम मुझे मार खाने में इतना तो पता चल रहा है कि मेरा अपना कोई है जिसके हाथों से मैं पिट रहा हूं। ऐसी ही दशा आज हम लोगों की है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए परंतु जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक ध्यान नहीं होगा। तो इसी कारण से ध्रुव की माता ने कहा तू चिंता मत कर, तू अब तेरे पास प्रतिकूलता है तो तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। अब तू सुन, साधारण सी गोदी में बैठने से क्या लाभ है, यदि तुझे गोदी में बैठना ही है तो जगत पिता की गोदी में बैठ, क्योंकि जगत पिता की गोदी में बैठने के बाद अरे ये तो साधारण राजा की साधारण गोदी है, परंतु यदि तू जगत पिता की गोदी में बैठेगा तो फिर तुझे वहां से कभी उतरना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर के माता ने स्पर्श किया है, जब स्पर्श किया ध्रुव जी का मस्तक चूमा है और आशीर्वाद दिया है, ध्रुव जी तुरंत रोने लग गए जोर जोर से। ध्रुव जी की माता ने कहा अब क्या हुआ, ध्रुव जी ने कहा माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया, बोले माता जब पिता ने मुझे धिक्कारा तो मैं सोचा कि हाय मेरी कैसी अभागी माता के कोख से जन्म लिया कि अपने पिता की गोदी में बैठने लायक नहीं रहा, परंतु माता मुझे नहीं पता था आप इतनी श्रेष्ठ हो, मुझे क्षमा कर दो। माता ने आशीर्वाद दिया, माता ने कहा कि ध्रुव जी अब आप दीन बन जाइए, दीन मतलब अति दीन बन जाइए, आप अब सब छोड़ करके दीन बन जाइए। तो ध्रुव जी ने कहा माता दीन बनने से क्या लाभ, तो माता ने कहा कि अगर बने तुम दीन, अगर बने तुम दीन सानिध्यम नित्य दाहरे। आप यमुना जी के पास मधुवन में चली जाए,
जाइए और वहां पर जाके भजन कीजिए। ध्रुव जी गए हैं, जाकर के मधुबन में पहुंचे हैं। मधुबन में पहुंच करके ध्रुव जी ने क्या किया? सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने तपस्या करनी शुरू करी। सबसे पहले प्रथम महीने में ध्रुव जी ने क्या खाया? त्रिरात्रान्ने कपित्त बदर आसन। सबसे पहले कपित्त का फल खाया। कपित्त का फल जानते कैसे होता है? कसैला, कड़वा। उपध्यम बदरी फलम, कपित्त का बेर का फल खाया जो कि स्वाद नहीं होता, कसैला होता है। क्यों खाया पहले बेर में? क्यों खाया कपित्त का फल? तो इसमें श्री वल्लभाचार्य जी टीका करते हैं कि सबसे पहले कपित्त का फल खा करके ध्रुव जी ने गणेश जी को प्रणाम किया है। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, गणेश जी भगवान के अतिशय प्रिय भक्त हैं। गणेश जी हमेशा तैयार रहते हैं हाथ जोड़ करके कि श्री भगवान श्री कृष्ण मुझे कब सेवा प्रदान कर दे। बार बार गणपति याचना करते रहते हैं श्री कृष्ण से कि मुझे कोई सेवा दे दीजिए। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के घर पहुंच गए थे ना, तो यशोदा जी के पास रख दिया था श्री कृष्ण को और ले लिया था योग माया को मस्तक पे, तो जाने लगे वापस। इतनी देर में श्री वसुदेव जी का मन विफल हो गया। वापस आए कि मैं थोड़ा सा तो लाला को देख लूं, फिर देखा, फिर वापस चले गए, फिर आए कि थोड़ा और देख लूं, फिर देखा। अब श्री कृष्ण को चिंता हुई। श्री कृष्ण बोले ये मेरी लीला में व्यवधान कर देगी, क्या करूं। इतने में श्री कृष्ण ने गणपति का स्मरण किया, गणपति को आदेश दिया, गणेश जी आपको विघ्न लगता है ना, अब देखिए ये बार बार लीला में विघ्न पड़ रहा है, कुछ कीजिए। तो गणेश ने क्या किया? गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। गणेश जी ने कहा चूहे को ले जाओ। तो चूहा इतना मोटा चूहा श्री नंद बाबा की रसोई में आकर के गिरा भ्राम से और सारे बर्तन खनर खनर सारे गिर गए। इतनी देर में वो अंदर से आवाज आई, कौन है कौन है? इतनी देर में वसुदेव जी लेकर के भगे हो तुम्हारे। तो इसीलिए गणपति साक्षात भगवान के अतिशय प्रिय भक्त है, बार बार देखते हैं कि कब सेवा का मौका दे दे। तो इसलिए पहले सबसे पहले ध्रुव जी ने कपित्त का फल खाया। कपित्त का फल खाया क्योंकि गणेश जी को प्रिय था। कपित्त जम्बू फल चारु भक्षिणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जब कपित्त का फल खाया उसके बाद एक महीना बीता, उसके बाद केवल और केवल पत्ते सूखे पत्ते खाए, फिर महीना बीता, फिर उसके बाद जल पिया, जल पीना भी बंद कर दिया, फिर केवल वायु भी वायु का आहार किया, अब तो श्वास भी नहीं ले रहे और 6 महीने की अवधि पूरी होने वाली है। देखिए अब इसमें विष्णु पुराण की लीला देखिए विष्णु पुराण जो है उसके अंदर आता है कि जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए बैठे तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। तो इंद्र को चिंता हो गई कि मैं मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प ले ध्रुव जी। तो साक्षात इंद्र ही श्री सुरुचि जी के रूप में प्रस्तुत हो गए और सुरुचि जी के रूप में प्रस्तुत हुए तो बोले ध्रुव से, अरे ध्रुव अब मैं तेरे बिना अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ चल। पर ध्रुव जी ने देखा नहीं बिल्कुल भी, कहा वो मैया जिसने भजन के लिए उपदेश किया था आज मुझे वापस भजन से रोक रही है, मेरी मैया नहीं हो सकती, इसीलिए मैं केवल भजन करते रहे। जब ध्रुव जी ने 6 महीने के अंदर भजन, 6 महीने का भजन हुआ तो ध्रुव जी ने वायु लेना बंद कर दिया। अब ध्रुव जी के हृदय में साक्षात श्रीमन नारायण है। अब जब वो सांस नहीं ले रहे तो वायु रुक गई। अब जब वायु रुक गई तो भगवान के हृदय में वायु रुक गई और भगवान के अंदर सारा संसार है वहां पे वायु रुक गई। इतने में सारा का सारा संसार कंपायमान हो गया। जब कंपायमान हुआ तो ध्रुव जी ने सोचा 6 महीने पूरे हो गए, तो ध्रुव जी ने आंख खोली। आंख खोल करके ध्रुव जी ने सोचा कि क्या मेरा भजन परिपूर्ण नहीं है, क्या मैंने भगवान की सही भजन नहीं किया, भगवान इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। ध्रुव जी रोने लग गए और ध्रुव जी के आंखों से आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद निकली और निकलते ही नाक को छूते हुए कपोलों का अतिक्रमण करते हुए होंठ से गुजरते हुए
प्रकट हो गए। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान जी ध्रुव को देख रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, भगवान के अंदर अत्यंत करुणा का प्रफुल्लित, अत्यंत करुणा का वेग प्रस्तुत हो गया। भगवान इतने ज्यादा उदार हो गए, भैया कोटि कोटि माताओं के का जितना वात्सल्य है उतना ही वात्सल्य यदि एक में आ जाए वही सद्गुरुदेव है और वही श्री भगवान है। इस कारण से भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ मांग ले बेटा। तो ध्रुव जी ने कहा, मैं ध्रुव जी के मन में आया कि मैया ने कहा था कि भगवान मिले तो कुछ बोलना स्मृति करना, ध्रुव जी को छोटे 5 साल के बच्चे क्या स्मृति करें। अब ध्रुव जी स्मृति करना चाहे क्या करे, स्मृति नहीं कर पा रहे। भगवान समझ गए, भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख उठा करके ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श किया। भगवान ने शंख उठाया, कृतांजलि ब्रह्ममयीन कंदुना कपोले। जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर चुबाया तो ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करने गुणगान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श किया तो उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी ने स्तुति करी। योन्तः प्रविश्य तव वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरस्वधान्नाम् अरण्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा मन करता है उछल करके कूद करके आपको गोदी में घुस जाऊं। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम मुझे बहुत प्यारे हो, कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा, बस बस आपका दर्शन मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरा दर्शन अमोघ है इसलिए कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी ने वर मांगा। योन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधान्नाम् अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति रास्ते में उधर उत्तानपाद को नारद जी ने सारा
जब पिताजी ने ध्रुव जी को गोदी में उठा लिया तो पिताजी ने ध्रुव जी के कपोल पर चुंबन किया, जो ये वही वाला कपोल था जहां भगवान ने शंख छुपाया था। तो शंख छुपाया था तो कपोल पर ध्रुव जी के हरि अदरामृत लगा था जो उत्तानपाद के मुख में चला गया। उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुष्संग दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई और वैराग्य का उद्भव हुआ। उत्तानपाद ने कहा, ध्रुव जी अब मैं परमार्थ संभालता हूँ, आप राज्य संभालो। 36,000 वर्ष बीते। 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी एक दिन अपने महल से बाहर आ रहे थे। ध्रुव जी ने देखा सामने एक भयंकर स्त्री बाल खुले हुए सफेद साड़ी पहने आ रही थी। ध्रुव जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं साक्षात मौत हूँ। अरे ध्रुव, वर्षों से तुम्हारे महल में घुसने की चेष्टा कर रहे हो पर जिस भी खिड़की से घुसती हुई वहां घूमता हुआ सुदर्शन नजर आ जाता है। मुझ पर कृपा करो ध्रुव, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है। ध्रुव जी ने संकल्प किया है, आकाश से विमान धरती पर आया, क्योंकि वो विमान अप्राकृतिक था इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पाता था, इसलिए विमान धरती से थोड़ा ऊपर था। ध्रुव ने कहा, हे मौत, तू जरा झुक जा, तेरे ऊपर पैर रख करके मैं इस विमान में बैठूंगा। तो ध्रुव जी ने उस पर पैर रखा। देखिए मौत तो वही है जब वो किसी व्यवचारी, देखो जैसे एक बिल्ली है वो अपने बच्चे को उसी मुंह से उठाती है और प्यार से दिल में रख लेती है, और वही बिल्ली जब किसी चूहे को उठाती है उसी मुंह से तो उसको फाड़ देती है, उसकी भयाभय दशा कर देती है। ऐसे ही मौत तो वही है जब वो किसी दुराचारी भजन ना करने वाले के पास पहुंचती है तो उसकी भयाभय दशा कर देती है, और जब कोई मौत एक भक्त के पास जाती है तो उसके स्पर्श से अपने आप को धन्य धन्य कर देती है। तो मृत्यु मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुह्य भुतं पिहं, मृत्यु के मुख पर पैर रख करके और ध्रुव जी विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी ने ऊपर आकाश में जब जा रहे थे विमान में तो ध्रुव जी को स्मरण हुआ, मेरी माता कहाँ है? मुझे भजन का उपदेश करने वाली तो मेरी मैया ही है, और माता कहाँ है, माता कहाँ है? तब पार्षदों ने, शुभ पार्षदों ने कहा कि तुम्हें जिस माता ने भजन में लगाया है, अरे ध्रुव देखो सामने वो तो तुमसे भी पहले विमान में भगवान के धाम जाते हैं। इसलिए एक माता का यही कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भजन में लगा दे। माँ का कर्तव्य यही है, माँ अगर भक्त बन गई ना तो बच्चा सदा ही भक्त बन जाता है। भगवत रसिक जी एक दोहा गाते थे, भगवत रसिक जी हुए हैं, वो एक दोहा गाते थे, पुत्र किसको कहते हैं, बेटा किसको कहते हैं? वो कहते थे कि जाही मारग भूत है, ताही मारग भूत, अरे भजन करे तो भूत है नहीं तो समझो। जिस मार्ग से माता के बच्चा आता है उसी मार्ग से माता का मूत्र त्याग होता है। यदि बच्चा भजन करने वाला है तो वह पुत्र है अथवा वह मूत्र के समान है। जाही मारग भूत है, ताही मारग भूत, अरे भजन करे तो भूत है नहीं तो समझो। सियावर रामचंद्र की जब ध्रुव जी को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया उसी समय में स्वयं मृत्यु के साथ पर प्यार करके थे सौ धैर्य में ध्रुव महाराज जी वैकुंठ गए। लेकिन अभी सुना है ना, इतने में मैया की याद आ रही, इतने मैया काम की, मतलब आगे देखो जो विमान है ना आगे उसमें तेरी माँ जा रही है, उसको पीछे पीछे जा रहे। इसका तात्पर्य यह है अगर तुम्हारी बेटा भजन करता है सबसे पहले मैया वैकुंठ जाएगी, बेटा नहीं तो मैया जाएगा। लेकिन अगर बेटा भजन नहीं किया, इसको भी ध्यान से सुनो, भजन करेगा तो 21 पीढ़ी तो उद्धार होगा, अगर भजन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? इसलिए आप रामायण में पढ़े होंगे जब सीता राम वनवास जा रहे थे
इतने में लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा के पास में आए, बोले भैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया की सेवा के लिए मैं जाऊँ। सुमित्रा इतनी खुश हो गई, सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुबती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासूस तो हुई। हिंदी समझ रही ना, कि तभी वो माँ को संतान जन्म देना सार्थकता है अगर बेटा अगर भगवान की भजन करे। दूसरे लाइन में कहती है, अगर तुम्हारी बेटे को तुमने भजन में नहीं लगा पाए, वो मना कर देती है, वो माँ को बांझ रहना सही है, वो मना करती है, बच्चे जन्म दो मत दिया करो, क्यों भजन करेगा तो भाई टूटे जाओगे, अगर वो शराब पिया जुआ खेला मांस खाया उसका कुकर को भी मां को लेना पड़ेगा। बताओ कुंती के 5 बेटे थे सारे कृष्ण भक्त, लेकिन गांधारी के कितने बेटे थे? एक भी कृष्ण भक्त हुए? एक भी कृष्ण भक्त नहीं हुए। इसलिए भागवत कहता है कि श्लोक है, बोले अवैष्णव सत्व पुत्र जननी सुपर समा, अगर तुम्हारी 100 बेटे क्यों नहीं हो, अगर प्रभु की भजन नहीं किया तो वो गाली देते हैं सूर्या जैसे तुमने बच्चे को जन्म दिया, ये गाली देते हैं। इसलिए क्या करो, सुमित्रा कहती है तभी बच्चे जन्म दो, अगर जन्म को अगर बच्चे को भजन में लगाओगे तो, लेकिन बेटा भजन कब करेगा? माँ भजन करे तभी तो, माँ खुद दिन भर स्मार्ट फोन लेकर बैठी हुई, दिन भर टीवी देख रही है, तब फिर बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा? इसलिए पहले हरिनाम लो। जब दो बच्चे जैसे कथा सुना रहे थे ना, इसके पिता माता से भजन कर रही, सबके से भक्ति कर रहे, तभी बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार आए। पहले माँ को पहले भजन करना पड़ेगा, गले में कंठी तिलक लगाकर भजन करो हैं, तभी तुम्हारी बच्चे संस्कार बनेंगे, नहीं तो सबके सब गलत रास्ता पर जाएंगे। ठीक है, भजन करो और दूसरों को भजन मिलेगा। देखो आज जो भागवत है, जो प्रसाद दिया, किसने प्रसाद दिया था? क्या नाम? बिट्टू और चिराग है फरीदाबाद से, ये दोनों ने आज ये श्रीमद् भागवत कथा में प्रसाद दिया है। दोनों आ जाओ, जिनका नाम दोनों का नाम लिया दोनों को यह बुला दो, इसलिए आप लोग ताली बजाते हुए उनको स्वागत करो, क्योंकि उन्होंने जो प्रसाद दिया है, पहले ठाकुर को भोग लगेगा, सब भक्तों को मुंह में जाएगा, तो भगवान कहते एक अन्न का दाना भी कोई भगवान की सेवा में लगा दे, कभी किसी जीवन में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इनको भक्ति दे और इनको प्रेम दे, घर में शांति सुख दे, और ऐसे ही ये भगवान की और गुरु वैष्णव की लोग ऐसे ही सेवा करते रहे और फलते बोलते रहे। हेलो, जय श्री राधे। काली लाल गोपाल
जीवन मूल सत्कांति के कोट प्रवाहन राहो रे मन को सो करू धान किशोरी के पानी। ये आपके लिए नहीं, ये मैं अपने मन को समझाने की बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है मेरा, नहीं लगता भगवान के चरणों में। बार बार गुरु वचन मुझे समझाते हैं लेकिन मेरा मन बड़ा डिस्ट है। आइए, ये कितना दीवाना है ये मन, इसको फ्रेश की ओर ले चलते हैं लगाते हुए, क्योंकि यहाँ साक्षात हो गए ब्राह्मण है, बड़े महाराज जी भी हमारे ब्राह्मण है, और दीक्षा हो गए बामन गोस्वामी महाराज भी ब्राह्मण है, इसलिए बस जय करे के साथ जय जय दीवाने मन। दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, राधे राधे मन राधे 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 राधे।
लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के महाराज बिंदु से और बार बार महाराज जी इस बात को बोलते हैं ध्यान से सुनो ध्यान से Thank you.
कोई बात श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी ये अमरगन ये मुक्ति पन ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगा देवा
भगवान जी ने एक व्यास की है कि सुखदेव जी महाराज की जय, आनंद महोत्सव की जय, गौर तमानंदे हरि हरि। दोनों बंद।